तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट स्प्रिंग एमबीसी, मिनी प्रोजेक्ट स्प्रिंग एमबीसी को यूज़ करके। तो स्प्रिंग एमबीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला पावरफुल जावा का फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं बेस्ड अपॉन मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो एमवीसी का मतलब होता है एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। तो ये जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर पर चलता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे स्प्रिंग एमबीसी कंपोनेंट्स मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको ज़्यादातर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हो अगर आपको जावा एडवांस आती है। तो सिंपल जावा का एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन आपने कुछ भी बनाया होगा जावा एडवांस पे, सर्वलेट जेएसपी पे, तो आप जावा एडवांस सर्वलेट जेएसपी ही जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स अगर आपने कोर जावा सीखी है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सर्वलेट को क्रिएट किया है, सर्वलेट में थोड़ा बहुत भी एप्लीकेशंस बनाए हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता है, तो अगर आपने, आपको नहीं पता है तो आप क्या करिए, हमने एक सीरीज बना के रखी सर्वलेट एंड जेएसपी की सीरीज, उस सीरीज को सबसे पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं इसमें, सारे कॉन्सेप्ट ए टू जेड। ऑलमोस्ट अगर आप माने तो इसमें कम से कम मैंने 75 वीडियोस अपलोड की हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट भी है। तो ये टोटली अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में, आप जाके इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी या हाइब्रिड वगैरह सीखना चाहते हो तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, और साथ ही साथ में जो प्रोजेक्ट मैंने कराया है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स मैंने कराए हैं, वो सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको सबसे पहले जाके देखिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको स्प्रिंग एमबीसी सिखाना, कैसे आप स्प्रिंग एमबीसी को, प्रोजेक्ट को, स्प्रिंग एमबीसी के प्रोजेक्ट को कॉन्फिगर कर सकते हो, और एक बार अगर आपने कॉन्फिगर कर लिया तो आप कैसे मॉडल्स बना सकते हो, कैसे कंट्रोल्स बना सकते हो, कैसे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो, और आप इन सबको यूज करके कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो, ये चीज हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो सारे हमने अपने चैनल पर समझाया हुआ है, तो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वगैरह को देखिए, वॉच करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने, आपको चाहिए होगा इक्लिप्स आईडी, तो मैं यूज़ करूँगा इक्लिप्स आईडी, आप यूज़ कर सकते हो कोई भी आईडी, जैसे नेटबीन्स यूज़ कर सकते हो, मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ। और इक्लिप्स में आपके पास एक सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करके रखा है टॉमकैट, ये मेरी इक्लिप्स आईडी पे। आप विंडो पे जाके और यहाँ पे सो व्यू पे जाके और सिंपली आप सर्वर्स पे जाके देख सकते हो कि अगर कोई सर्वर कॉन्फ़िगर है कि नहीं है। अगर सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं है तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल सर्वर का या ऐड सर्वर का, आप ऐड सर्वर पे क्लिक करके आप क्या करिएगा, सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है यहाँ पे, सर्वलेट एंड जेएसपी की सीरीज है, जिसमें 45th वीडियो है, व्हाट इज आईडी वर्किंग विद इक्लिप्स आईडी जावा प्रोजेक्ट J2EE। इस वीडियो में मैंने 25 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें समझाई हुई है, क्या इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स को कैसे कॉन्फिगर करेंगे और पहला जावा का सर्वलेट कैसे बनाएंगे, तो सर्वर को ऐड करना भी मैंने सिखाया था। तो होपफुली आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक सर्वर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एक जावा का प्रोजेक्ट को, जावा के एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा चीज़ों को समझने में और सारी चीज़ें कॉन्फिगर करने में, और सबसे ज़्यादा कॉन्फिगर करना ही इंपॉर्टेंट होता है स्प्रिंग के प्रोजेक्ट्स में। तो मैं आपको बता दूँ कि कॉन्फिगरेशन जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, जैसे एक यूज़ कर सकते हैं हम लोग XML फाइल, और एक यूज़ कर सकते हैं एनोटेशन या फिर जावा की हेल्प से, डायरेक्ट जावा क्लासेस की हेल्प से, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं XML फाइल। मैं यहाँ पे XML फाइल यूज़ करूँगा क्योंकि पर्टिकुलर उसका एक रीज़न है क्यों मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ XML फाइल में सिंपल टैग्स हम लोग लिखते हैं, तो जो स्टार्ट कर रहे होते हैं सीखना उनके लिए XML फाइल बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो सिंपली HTML से वाकिफ़ होते हैं, उनको HTML आ रही होती है, या फिर XML भी वो लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ कर चुके होते हैं, या थोड़ा सा वो HTML लाइक लैंग्वेज होती है, सिमिलर होती है HTML के, तो उनको आसान लगता है, बहुत आसान लगता है XML को सीखना, समझना और फिर हम लोग कोड करना। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ XML कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इसको एनोटेशन से भी कर सकते हैं, बट XML बहुत ही आसान है शुरू करने के लिए, तो मैं आपको XML बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्लिप्स देख रहा है, मैं इक्लिप्स पे फाइल पे जाऊंगा और सिंपली मैं फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे न्यू पे चलूंगा और यहाँ पे
अभी तक हम लोग जो सीरीज में यूज कर रहे थे, मैं यहाँ पे यूज कर रहा था डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट्स, बट यहाँ पे मैं मेवन प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब बात करते हैं मेवन प्रोजेक्ट क्यों बनाऊंगा, मेवन और नॉर्मल प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट टाइम लूंगा और ये समझाने के लिए कि मेवन और हमारे सिंपल जावा वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम सिंपल जावा का वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो डिपेंडेंसीज वगैरह हमें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको याद हो तो कोई भी MySQL कनेक्टेड डॉट जार जो लगाते थे हम लोग, वो डाउनलोड करके खुद से फिर हम लोग लाइब्रेरीज में आके ऐड करते थे। बट मेवन आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। इसका मतलब है कि अगर आप मेवन यूज करोगे तो मेवन आपके लिए डिपेंडेंसीज खुद से मैनेज कर देगा। अगर आपको कोई MySQL कनेक्टर लगाना है या स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज लगानी है, डिपेंडेंसी मतलब जार फाइल लगानी है या हाइबरनेट की जार फाइल लगानी है, तो आप मेवन से डायरेक्ट बोल सकते हो कि हे मेवन, ये मेरी लिंक है, आप इस लिंक से जार फाइल को डाउनलोड करके सिंपली लगा दीजिए। तो मेवन को सिंपली हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अपनी डिपेंडेंसी और उसकी लिंक या अपनी डिपेंडेंसी। वो क्या करेगा, वो अपने आप से वो डिपेंडेंसी की सारी जार फाइलें डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में लगा देगा। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मेवन को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने जार फाइल के बारे में और मेवन हमारी डिपेंडेंसी खुद से मैनेज कर लेगा। इसीलिए मेवन को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। और मेवन बिल्ड वगैरह भी कर देता है, तो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। हालांकि हमें डिपेंडेंसीज खुद नहीं मैनेज करने पड़ेंगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेवन का। तो सिंपली आप मेवन पे करोगे और मेवन करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे कर दोगे। और ये पूछ रहा था बैक पे जाने के बाद, ये पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन भी मैं क्या करता हूँ, ब्राउज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन बनाने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट, या सिंपली यहीं पे बना लेते हैं प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है आर्क टाइप। ठीक है, तो हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे तो मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट है। यहाँ पे मेवन आर्क टाइप वेब ऐप है। ठीक है, तो वेब ऐप हम लोग को बनाना है, तो हम लोग सबसे नीचे वाला आर्क टाइप चूज करेंगे, मेवन आर्क टाइप वेब ऐप, और सिंपली मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो आप ध्यान से देखो, ग्रुप आईडी में मैंने दिया com.learn.code, तो मैं यहां अपना एक ऐसे ही कुछ नाम दे दूंगा, सिंपली लिख दूंगा com.durgesh दे देता हूं। ठीक है, ये बेसिकली वर्क करेगा एज अ पैकेज, और ये आर्टिफैक्ट आईडी आपका जो होगा वो वर्क करेगा एज अ प्रोजेक्ट नेम। तो मैं यहां पर लेता हूं टू डू ऐप। ठीक है, टू डू ऐप, और सिंपली मैं क्या करूंगा, आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। और याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में यहाँ पे इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज वगैरह डाउनलोड करेगा इंटरनेट से। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं अवेलेबल होगा तो डिपेंडेंसीज कैसे डाउनलोड कर पाएगा नेट से। तो आप इंटरनेट ऑन करने के बाद ये प्रोजेक्ट को क्रिएट करिएगा। अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो गया, और ठीक है, प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब थोड़ा सा ये एरर दे रहा है, तो देखते हैं क्या एरर दे रहा है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, या आप सिंपली यहां भी आ सकते हो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ का एक ऑप्शन है इसमें। ठीक है, कॉन्फिगर, या सिंपली आप प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक ऑप्शन है जावा बिल्ड पाथ का, इस पर क्लिक कर देंगे। और सिंपली कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा, क्योंकि देखिए ये यूज कर रहा है जावा 1.5, इस चीज को मैं रिमूव कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, अपने लाइब्रेरीज में ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा, और जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी नेक्स्ट कर दूंगा, और सिंपली 1.8 आप यूज कर सकते हो, मैं 1.8 यूज कर लूंगा, फिनिश कर दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉमकैट की भी एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो सिंपली फिर से हम ऐड लाइब्रेरी यूज कर लेंगे। इसको हम लोग pom.xml में भी, मतलब मेवन से भी कह सकते थे, बट ये सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन है एक सर्वर रन टाइम, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट जाएंगे और अपना टॉमकैट 9 की लाइब्रेरी को फिनिश कर देंगे, चूज कर लेंगे, दैट्स इट। अब हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे, फिर से बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर चली गई होंगी, और ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। इस प्रोजेक्ट की इंडेक्स पेज जो है ये ओपन हो गया। प्रोजेक्ट में हमें दो तीन चीजों से बहुत ही ज्यादा मतलब है। सबसे पहला जावा रिसोर्सेस, यहाँ पे सारे आपके जावा के यहाँ पे क्लासेस वगैरह आएंगे, सर्वलेट वगैरह आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसके अंदर बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग
हम लोग क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर हमें मिलेगा मेन के अंदर मिलेगा वेब ऐप। वेब ऐप के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे index.jsp है, तो अगर आपको कोई भी फाइल जेएसपी वगैरह बनानी तो इसके अंदर बनाएंगे। बाकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे सारी चीज बताएंगे। उसके बाद web-inf के अंदर आपको मिल जाएगी हाँ web.xml, ठीक है web.xml, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी होगी, मैं वो सारी चीज सिखाऊंगा, बट web.xml आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रही बात प्रोजेक्ट की, एक बार हम इस प्रोजेक्ट को रन करके टेस्ट कर लेते हैं क्या ये प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा तो आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होगा। प्रोजेक्ट चलेगा तभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, टू डू ऐप पे रन एज पे जाएंगे और सिंपली रन ऑन सर्वर पे क्लिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो आप लोग देखोगे कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर को स्टार्ट करने में। एक बार जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोजेक्ट आपके डिफॉल्ट ब्राउजर से ओपन हो जाएगा और आपका होम पेज इंडेक्स्ड, देखो index.jsp पेज था जिसमें लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप क्या करो, अगर आप देखो तो यहाँ अगर आप index.jsp में आओ, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दो, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया H1, मैं लिख दिया दिस इज माय होम पेज, और अगर मैं सेव करता हूँ और फिर से चल के अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाओगे कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट बहुत आसानी से रन हो रहा है, इतना आसानी से रन हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिगर कर सकते हैं एज अ वर्क करे स्प्रिंग एमबीसी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको स्प्रिंग एमबीसी प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, हमें क्या करना है स्प्रिंग एमबीसी की जार फाइलें यहाँ पे लगानी है और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो सिंपली आपको चलना पड़ेगा गूगल पे और यहाँ पे मैं कुछ रिसोर्सेज बता रहा हूँ उनको यूज़ करना है, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी को याद नहीं रहती है और मुझे नहीं लगता है याद रखना भी मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड की जाती हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके रखा है और वो डॉक्यूमेंटेशन आपको सीखने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे उसी डॉक्यूमेंटेशन पे और वहां से सीख के सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग गूगल पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्रिंग एमबीसी फ्रेमवर्क 4.x डॉक, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहली इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होगी docs.spring.io/docs/4.0.x, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो आप देखोगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम लोग जो सीखने जा रहे हैं स्प्रिंग एमबीसी पे जो मिनी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो एक सिर्फ स्प्रिंग फ्रेमवर्क का छोटा सा मॉड्यूल है। दैट मीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्प्रिंग में कोर स्प्रिंग है, स्प्रिंग मैसेजिंग सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत सारी टूल्स हैं। तो हम लोग एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं सिर्फ स्प्रिंग एमबीसी का, स्प्रिंग वेब, ठीक है। तो हम लोग आएंगे, ये सारी चीज़ आप लोग सीख सकते हो, ये जरूरी है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोर टेक्नोलॉजी IOC कंटेनर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, बीन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। बट फिलहाल हम लोग नीचे आ जाएंगे, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा एनोटेशन के बारे में, जो जरूरत पड़ेंगी वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नीचे आ जाएंगे, आप थोड़ा सा बस वेट करिए, यहाँ पे सर्च करिए वेब, ये देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट है वेब एमबीसी फ्रेमवर्क। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपको लेके जाएगा वेब स्प्रिंग एमबीसी फ्रेमवर्क पे और आप यहाँ पढ़ लीजिए कि ये क्या चीज़ है, फीचर ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है और ये एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर पे कैसे वर्क करता है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए इन सब चीज़ों को सीखने के लिए कि स्प्रिंग एमबीसी फ्रेमवर्क है क्या, ये इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सिंपली स्प्रिंग वालों ने सिंपली लिख के रखा है कि क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा, क्यों ये इतना बढ़िया फ्रेमवर्क है, इसको कैसे स्केलेबल किया जा सकता है और डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है। तो मैं बताता हूँ एक बार, सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रंट कंट्रोलर होता है वही डिस्पैचर सर्वलेट होता है। तो जैसे ही कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट कंट्रोलर के पास। सपोज एक बंदा है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले वही बंदा उस रिक्वेस्ट को पकड़ेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये मैपिंग फाइल को देखेगा कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस कंट्रोलर के पास जानी चाहिए, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। कंट्रोलर का जो मेथड होगा वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और अगर वो डेटाबेस वगैरह को यूज करना चाहेगा तो यूज कर लेगा, डाओ सर्विसेज बिजनेस लेयर जिसको भी यूज करना चाहे यूज कर लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो डेटा देगा वो एज अ मॉडल देगा, ठीक है। मॉडल का एक ऑब्जेक्ट होता है, वो मॉडल का ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। सिंपली
ये फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, ये मैपिंग के थ्रू देखेगा कि भैया जो रिजॉल्वर है, व्यू रिजॉल्वर, वो किस व्यू को रिजॉल्व किया, मतलब कौन सा व्यू आपको दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो मॉडल आया है डेटा का, वो सिंपली आप व्यू को दिखा व्यू में दिखा सकते हो, दैट मीन जो टेम्पलेट आप दिखा रहे होगे वो यूजर को दिख जाएगा। और फिर क्लाइंट को ये जो यहां से जो व्यू रिजॉल्व होगा, मतलब व्यू जो जाएगा वो फ्रंट कंट्रोलर रिस्पांस में भेज देगा। तो इस तरीके से काम करेगा, सिंपली रिक्वेस्ट आएगी, कंट्रोलर फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, छोटे वाले कंट्रोल को देगा, छोटा वाला कंट्रोल काम करेगा और फ्रंट वाले कंट्रोल को मॉडल दे देगा। ये फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, ये देखेगा मैपिंग किस टेम्पलेट को दिखाना है व्यू रिजॉल्वर की हेल्प से। व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, टेम्पलेट पे ले जाएगा, आप वहां मॉडल दोगे, जो इसका आंसर होगा, मतलब कौन सा टेम्पलेट वगैरह सॉल्व होगा, उसके बाद जो भी एचटीएमएल होगा वो फ्रंट कंट्रोलर के पास आएगा। फ्रंट कंट्रोलर सिंपली क्या करेगा, आपके क्लाइंट को रिस्पांस दे देगा। तो ये जो कंपोनेंट है फ्रंट कंट्रोलर, ये सिंपली जावा का सर्वलेट है, सर्वलेट का नाम है डिस्पैचर सर्वलेट, ठीक है। ये तो सिंपली जावा का सर्वलेट है, तो हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल में क्या करेंगे, सिंपली इसको मैप कर देंगे, दैट्स इट, डिस्पैचर सर्वलेट को मैप कर देंगे। और ये जो कंट्रोलर्स हैं ये सारे सिंपली जावा की क्लासेस हैं, ये जावा की क्लासेस हैं, बट हम लोग को कुछ स्प्रिंग को बताने के लिए कुछ एनोटेशन या एग्जाम्पल फाइल यूज करनी पड़ेगी, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट जीएसपी का भी हो सकता है, ये वेलोसिटी का भी टेम्पलेट हो सकता है, या थाइलीफ वगैरह का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग जीएसपी यूज करेंगे सिंपली। अब ध्यान से देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको जार फाइल लगानी होगी, तो जार फाइल हम लोग खुद से डाउनलोड करके नहीं लगाएंगे, हम लोग ने बनाया था मेवन प्रोजेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग चलेंगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्रिंग एमवीसी और हम इसके आगे लिख देंगे मेवन, ठीक है। तो हम लोग मेवन से बोलेंगे कि भैया मुझे स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसी चाहिए। तो आप देखोगे ये वेबसाइट होगी mvnrepository.com, mvnrepository.com, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पे देखो कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, आप यूज कर लो। ये सारे मेवन की स्प्रिंग एमवीसी की डिपेंडेंसीज हैं। तो भैया मैं क्या करूंगा, मैं 4 या 5 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं क्या करता हूँ 4.3 यूज कर लूंगा, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा अगर कुछ एरर आएगी, बट फिलहाल मैं अभी तक तो 4.3 यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली आप 4.3 यूज कर लीजिएगा और सिंपली ये जो डिपेंडेंसी है इसको कॉपी कर लीजिएगा, जैसे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, बट फिलहाल आप क्या करो, सिंपली इस पर सेलेक्ट करके कॉपी कर लो और आ जाओ सिंपली अपने प्रोजेक्ट में। अब आपने डिपेंडेंसीज की लिंक और नाम तो कॉपी कर लिया, अब आप कैसे मेवन को बताओगे कि भैया मुझे हमारे प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसी चाहिए। इस चीज़ को मेवन को कोई भी चीज़ बताने के लिए, कौन सा आप जावा का वर्जन यूज़ करोगे, कितने डिपेंडेंसी यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें मेवन को कोई चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट में सबसे नीचे एक फाइल दिख रहेगी pom.xml फाइल, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और सिंपली ये है आपकी pom.xml फाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। और अगर आप देखोगे तो इसमें एक टैग लगा हुआ है डिपेंडेंसीज, इस टैग के सिंपली अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी एक जुड़ी हुई है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ और हम लोग अपनी डिपेंडेंसी आके इसी डिपेंडेंसीज वाले अंदर, इसके टैग के अंदर सिंपली पेस्ट कर देंगे और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एफ से इसको फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप विंडोज में हो तो कंट्रोल शिफ्ट एफ और अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कमांड शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर दोगे, उसको सेव कर दोगे। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है वेबन का और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अपडेट प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो आप मेवन क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को अपडेट कर देगा, दैट मीन्स नेट से सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट में लगा देगा। तो सिंपली डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद वर्कस्पेस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंसीज आई कहाँ पे हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ से देखो जावा रिसोर्सेज में, तो आपको एक लाइब्रेरीज का अलग से फोल्डर दिखेगा, लाइब्रेरीज को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अभी जो आपने ऐड किया था अपाचे टॉमकैट वाली लाइब्रेरी है, जावा की लाइब्रेरी है, साथ ही साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो मेवन डिपेंडेंसीज है, मेवन वाली सारी डिपेंडेंसीज है। इसको ओपन करोगे तो देखोगे यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज ऑलरेडी आ गई हैं, एक स्प्रिंग एमवीसी 4.3 आ गई, स्प्रिंग एओपी भी आ गई, स्प्रिंग बीन आ गई, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आ गया, स्प्रिंग कोर आ गया, स्प्रिंग लॉगिंग आ गया, स्प्रिंग एक्सप्रेशन एंड स्प्रिंग वेब। तो आपने एक डिपेंडेंसी स्प्रिंग एमवीसी बताई है pom.xml में, जैसे ही आपने स्प्रिंग एमवीसी बताई तो हुआ क्या कि मेवन ने स्प्रिंग एमवीसी से रिलेटेड जितनी भी जार फाइल थी वो सारी आपके प्रोजेक्ट में लगा दी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्प्रिंग, ये सारी जार फाइलिंग की क्लासेस हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स अब हमारे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग एमवीसी लग चुका है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिग्रेशन करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे प्रोजेक्ट में जावा 1.5 अभी भी दिख रहा है, तो हम एक बार फिर से ट्राई मारते हैं, हम लोग फिर से राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग
देखिए जावा 1.5 को फिर से एक बार हम लोग चेंज कर दें भैया, ये क्यों गलत हो रहा है, जेआरई 1.8 है, ठीक है 12 वाला कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है ओके कर देते हैं, 12 आ गया, अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके कर, ठीक है तो जावा 12 आ गया। ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हम लोग आ जाएंगे अपने वेब डॉट एग्जाम्पल में और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सारी चीज़ें, तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे और देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन करना क्या है। तो हम लोग फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे, स्प्रिंग एमबीसी वाले डॉक्यूमेंटेशन में नीचे आएंगे, स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है तो यहाँ पे बताया हुआ है कि डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है। डिस्पैचर सर्वलेट एक्चुअली फ्रंट कंट्रोलर है, एक्चुअली सर्वलेट एंड सच डिक्लेयर्ड वेब डॉट, ये एक सर्वलेट है तो मुझे डिक्लेयर करना है वेब डॉट एग्जाम्पल में, और कैसे डिक्लेयर करना है इन्होंने बताया आपके वेब डॉट एग्जाम्पल में वेब डैश ऐप के अंदर आपको एक सर्वलेट टैब लगाना है और सर्वलेट मैपिंग करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है वेब ऐप वाले टैग को नहीं कॉपी कर रहा हूँ, सर्वलेट वाले टैग को कॉपी कर रहा हूँ सिंपली, और कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है आपको भी ऐसे करना है। अब ध्यान से देखिए, आपने लिखा सर्वलेट और सर्वलेट का एक नाम दिया एग्जाम्पल, तो हम इसी नाम को एग्जाम्पल को बदलने वाले हैं, हम यहाँ पे नाम देते हैं टू डू, ठीक है टू डू ये नाम इंपॉर्टेंट है, और आपने क्लास दी है ये वाली क्लास डिस्पैचर सर्वलेट, ये इसका पूरा नाम है, ये एक पैकेज में है org.springframework.web.servlet.dispatcher-servlet, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का ये फ्रंट कंट्रोलर है, मतलब ये मेन गेट पे रहेगा कोई भी रिक्वेस्ट आएगी। नेक्स्ट इसकी मैपिंग देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम टू डू कर दिया है, तो इस मैपिंग करते वक्त भी हमें इस सर्वलेट का नाम टू डू यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने URL पैटर्न दिया है एग्जाम्पल, दैट मीन्स ये डिस्पैचर सर्वलेट उन्हीं रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा जिनका URL स्टार्ट हो रहा होगा एग्जाम्पल से। आया सबको समझ में, मतलब जिसका URL स्टार्ट हो रहा होगा एग्जाम्पल से, अगर आप सारे रिक्वेस्ट को इसे हैंडल कराना चाह रहे हो तो आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो स्लैश, तो जितने रिक्वेस्ट स्लैश से स्टार्ट हो रहे हैं सारे रिक्वेस्ट को आपका प्रोजेक्ट क्या कर लेगा सिंपली हैंडल कर लेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सारी चीज इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान से देखिए, अगर आपने डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पे कॉन्फिगर कर दिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कॉन्टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी स्प्रिंग कॉन्फिगरेशन की, तो सिंपली आप वेब ऐप पे राइट क्लिक करोगे और न्यू, और अच्छा ये करने से पहले आप अपने सर्वलेट का नाम ध्यान से देख लीजिएगा, टू डू। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली अपने वेब आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अदर पे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एक XML फाइल बनाएंगे, ठीक है तो आप यहाँ पे फिल्टर पे सर्च कर लीजिएगा XML, और हम क्या करेंगे XML फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है और नेक्स्ट करने पे नाम दे देंगे इसका नाम। सबसे पहले आपने सर्वलेट का नाम क्या लिया था, टू डू, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू डू और डैश लगाऊंगा, फिर लिखना है आपको सर्वलेट, ये सर्वलेट मैंडेटरी है, इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट का आपने नाम क्या लिया है, तो मैंने इस केस में लिया था टू डू, अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया होता तो यहाँ पे एग्जांपल डैश सर्वलेट लिखते, अगर आपने यहाँ टेक्स ऑफ इंडिया लिया होता तो यहाँ पे टेक्स ऑफ इंडिया डैश सर्वलेट दे, तो ये सर्वलेट जो है वो मैंडेटरी है, जरूरी है। साथ ही साथ में टू डू वो वर्ड है जो आपने एज अ सर्वलेट नेम लिया है, उसके बाद आप डॉट एग्जाम्पल यूज कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल फाइल है, और सिंपली क्या कर सकते हो आप फिनिश कर सकते हो। नाउ ये आपकी XML फाइल बन गई और ये XML फाइल आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है स्प्रिंग की, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग के इसके अंदर हम लोग जितने बीन होंगे, बीन मतलब कोई भी क्लास जिसे हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बतानी होगी उसको हम लोग रेफर करते हैं एज अ बीन, तो हम लोग बीन्स मतलब जावा की क्लास, बस आप इतना याद रखो। तो इस फाइल में क्या लिखना है ये सारी चीज़ें हम लोग फिर से डॉक्यूमेंटेशन से आएंगे और देखेंगे, तो नीचे आके ध्यान से देखिएगा इसको, आप देखो ये जो चीज थी आपने XML से किया था डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर, इसको आप जावा के क्लास से भी कर सकते हो, तो मैंने भी बताया था कि भाई ये जो है web.xml ये XML फाइल है, तो अब ऐसी बात है ये चीज हमें आसान लगी तो मैंने इसको यूज कर लिया, हालांकि जब आप धीरे धीरे कोडिंग करोगे तो ये चीज भी ईजी लगेगी आपको, ठीक है नीचे आ जाते हैं, ठीक है तो ये स्कीमा दिया हुआ है यहाँ पे, ये स्कीमा दिया है, इस तरह से स्कीमा हमें स्टार्ट करना है, ठीक है तो आपको बीन्स वाला टैग स्टार्ट करना है, तो हम इस स्कीमा को कॉपी कर लेंगे, ठीक है इतनी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो आप इस स्कीमा को सिंपली कॉपी कर लीजिएगा, आपको यहीं पे मिल जाएगा, इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगा, हालांकि ये स्कीमा ये फाइल में पूरा कंप्रेस करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा या तो गिटहब पे या अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहां से इस फाइल को देख सकते हो डायरेक्ट। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर और हम
इस बीन्स वाली को डायरेक्ट यहां पे क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अगर आप मैक में हो तो कमांड वी से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। एनोटेशन ड्रिवन आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी एनोटेशंस को एनेबल करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपली आप पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्टली हमारा कॉन्फिग्रेशन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग की मोस्टली ऐसा बोले तो 70% कॉन्फिग्रेशन हो चुकी है अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिग्रेशन करते हैं। कैसे हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे, कैसे हम लोग रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। जैसे सपोज हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट चलाया था, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का जो चला था ये स्प्रिंग हैंडल नहीं कर रहा था इसको, तो हम लोग कैसे हम लोग क्या करेंगे कि भैया हम ये रिक्वेस्ट स्प्रिंग से हैंडल करा पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो हम लोग बनाएंगे कंट्रोलर। बट कैसे बनाएंगे कंट्रोलर, ध्यान से देखिए। हम लोग कंट्रोल मीन्स जावा, सिंपल जावा की क्लास। तो हम लोग अपने src/main/java में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सिंपल जावा की क्लास बना लेंगे, ठीक है। जावा की क्लास बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे homectrl, होम कंट्रोलर। और इसको एक पैकेज के अंदर रखेंगे जिसका नाम दे देंगे com.controller या controller दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। com.ctrl, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करूँगा, फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे एक जावा की सिंपली क्लास बन जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बट, ठीक है। इसे कैसे हम लोग बताएंगे, इसे हम लोग कैसे कंट्रोलर बनाएंगे, मतलब इस क्लास को कैसे हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे कि ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। तो स्प्रिंग से हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो क्लास है वो एज अ कंट्रोलर काम करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @ और हम लोग लिखेंगे कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर, कंट्रोल स्पेस दबाइए तो आपका इक्लिप्स जो है बता देगा कि भैया कंट्रोलर सजेस्ट कर देगा। तो मेरा यहाँ पे सिस्टम हैंग कर रहा था थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोलर लगाऊंगा। देखो जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो बता रहा है कंट्रोलर एनोटेशन। और ये क्या है, ये है अवेलेबल org.springframework.stereotype। तो आप सिंपली ये यूज कर लोगे, इसका मतलब ये एनोटेशन है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ये बताएगा कि ये जो हमारी क्लास है वो ऐसा कंट्रोलर काम करेगी। कंट्रोलर मतलब इसके जो मेथड्स होंगे वो रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएंगे। तो सिंपली हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग और नाम देते हैं होम, ठीक है, होम। और आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो मेथड है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पेज का नाम होगा, किस पेज को हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग नाम दे देंगे होम पेज को हम दिखाना चाहते हैं। .jsp भी बताएंगे कैसे होगा, कैसे हम लोग .jsp लगाएंगे। बस आप सिंपली इतना समझिए कि जब ये फंक्शन चलेगा, जब ये मेथड चलेगा, तो वो रिटर्न करेगा पेज का नाम, व्यू का नाम, ठीक है। लेकिन ये कब चलेगा, हम लोग लगाएंगे एक एनोटेशन और जिसका नाम है रिक्वेस्ट मैपिंग, और हम लोग कहेंगे कि भैया जब हम अपने प्रोजेक्ट में URL फायर करेंगे होम, मतलब अपने प्रोजेक्ट का नाम /home, तब जाके ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा और वो रिटर्न करेगा होम। मतलब हमें दिखाना होगा, ये है हमारे पेज का नाम, व्यू का नाम, तो हमें दिखाना होगा होम वाला व्यू। ये तो सारी चीज समझ में आ गई, बट हम लोग को थोड़ा सा और कॉन्फ़िगरेशन करके ये बताना पड़ेगा कि भैया हमने जो कंट्रोल्स रखे हैं वो किस वाले पैकेज में रखे हैं, com.ctrl। तो हम लोग आएंगे टू डू सर्वलेट में, ये हमारी फाइल है जो स्प्रिंग से कुछ बताने के लिए। तो हम लोग आ जाएंगे अपने इस वाली फाइल में और यहाँ पे यूज करूंगा मैं एक और टैग जिसका नाम है कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। ये क्या करेगा, ये हमारे पैकेज को स्कैन करेगा। तो हम लोग अपने पैकेज का नाम दे देंगे com.ctrl। ये पैकेज को स्कैन करेगा, दैट मीन्स ये जब आप प्रोजेक्ट चलाओगे तो जैसे प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो स्प्रिंग क्या कर लेगा, आपके पैकेज को स्कैन कर लेगा कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, कंट्रोलर वगैरह। तो स्प्रिंग समझ जाएगा कि हाँ भाई ये पैकेज है जिसको मुझे स्कैन करना है, देखना है स्प्रिंग के कंपोनेंट के लिए। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग इस दो चीज़ को कॉपी कर लेंगे और हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेंगे। और ध्यान से देखिएगा, जहाँ MVC है इस MVC के पास भी हम लोग लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है। इस स्प्रिंग के इस MVC के पास भी मैं लिख दूंगा कॉन्टेक्स्ट और साथ ही साथ यहाँ भी मैं लिख दूंगा कॉन्टेक्स्ट। और एक जगह और मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग
इस चीज की एक कॉपी बना लेते हैं, इस चीज की भी एक कॉपी बना लेते हैं हम लोग, और कंट्रोल सी, और एमबीसी के नीचे ही जस्ट पेस्ट कर देते हैं, और हम लोग यहां कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और हम लोग यहां भी कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये जुगाड़ है, अदरवाइज आप नेट से भी देख सकते हो इस डिक्लेरेशन को, और वहां से भी यूज कर सकते हो, बट जुगाड़ से आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जुगाड़ से आप इसको कर सकते हो ऐसे। अभी क्या करेगा, इस पैकेज को स्कैन कर लेगा, और स्कैन करके समझ जाएगा कि यस, इस पैकेज के अंदर हमारे कंट्रोलर्स रखे हुए हैं, और कंट्रोलर्स में मैपिंग कौन सी है। भैया जब आप होम लिखोगे तो मुझे ये वाला चीज फायर करनी है। अब हम लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट चलता है, स्लैश होम फायर करते हैं, और देखते हैं कि क्या हमारे होम पे होम का व्यू कुछ दिखा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं दिखाया गया तो हम लोग कॉन्फिगर करेंगे। तो सिंपली हम लोग टू डू ऐप पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज पे जाते हैं, और रन ऑन सर्वर कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जावा स्प्रिंग में कि भाई इसके कॉन्फ़िगरेशन, एक बार स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन एक बार हो गई, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स बना लोगे बहुत आसान है। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाई है। अब हम लोग, क्योंकि ये हमारा होम पे चल रहा है, बट हम लोग स्प्रिंग के कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ स्लैश होम और एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कुछ ये एरर बता रहा है, ये बता रहा है सर्कुलर व्यू पाथ दिस वुड डिस्पैचर बैक टू द करंट हैंडलर। ये बता रहा है कि भैया व्यू कौन सा दिखाना है ये नहीं हम समझ पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, परेशान नहीं होंगे और हम लोग सिंपली आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे व्यू की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग नहीं समझ पा रहा है कि भैया मुझे कौन सा व्यू रिजॉल्वर यूज करना है व्यूज को दिखाने के लिए। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे अपने टू डू सर्वलेट के अंदर, और मुझे यहाँ पे कुछ टैग्स यूज करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से टैग्स यूज करने हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भैया ऑब्जेक्ट बना सकते हो एग्जाम्पल फाइल में, सिंपली यूज करोगे बीन, और बीन के अंदर आपको क्या करना है, आपको उसकी आईडी यूज करनी है, आईडी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आईडी, और आईडी में मैं लिख दूंगा व्यू रिजॉल्वर, और क्लास का नाम, बहुत सारे व्यू रिजॉल्वर बाय डिफॉल्ट है स्प्रिंग एमबीसी फ्रेमवर्क में, तो हम लोग यूज करेंगे इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। तो सिंपली आपको यहां लिखना है क्लास, और क्लास के बाद आपको पूरा फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम लिखना है, किसका, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर का, ठीक है। तो क्लास नेम कहां से मिलेगा, सबसे, या तो आप क्या कर सकते हो, नेट से डाउनलोड, नेट से जाके देख सकते हो कि इंटरनल रिसोर्सेज व्यू रिजॉल्वर का नाम क्या है, या इक्लिप्स के पास फीचर है देखने के लिए, आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट टी, अगर आप विंडोज में हो, मैक में हो, तो कमांड शिफ्ट टी, तो ये बता देगा कि आप सर्च कर सकते हो किसी भी क्लास को। तो मैं यहां सर्च करूंगा इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ये देखो नीचे है, तो इसका नाम दिखा रहा है, ये पैकेज में है जिसका नाम है org.springframework.web.servlet.view। तो इस पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हो, तो ये रहा क्लास नेम। तो सबसे पहले हम इसके पैकेज का नाम लेते हैं, तो ये है हमारे पैकेज का नाम, ठीक है। तो इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और अपने आ जाते हैं, सबसे पहले ये पेस्ट करते हैं डॉट, उसके बाद आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग लेते हैं इस क्लास का नाम, कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, परफेक्ट। अब इसको दो चीज़ें बतानी होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ें कैसे बताएंगे, इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहले होती है प्रीफिक्स, तो हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो दो प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए सेट प्रीफिक्स और सेट सफिक्स, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब किस फोल्डर के अंदर आपकी फाइलें मिलेंगी, तो मैं कहूँगा भैया इसके अंदर चलते हैं, और एक सेकेंड इसको सही कर देते हैं हम, ठीक है। तो हम ऐसे टैग लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे एक वैल्यू, तो हम कहेंगे जो हमारी व्यूज रखे होंगे वो web-inf के अंदर एक फोल्डर होगा पेजेस, उसके अंदर रखे होंगे, ठीक है। और एक चीज मुझे और बतानी होगी कि भैया सफिक्स क्या होगी, एंडिंग आपके व्यूज की किससे होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ सफिक्स, और सफिक्स में हम लोग वैल्यू यूज करेंगे .jsp, ठीक है, हम लोग की जो एंडिंग होगी फाइलों की वो .jsp से हो रही होगी, परफेक्ट। इतना काम करने के बाद सिंपली आप सेव कर दोगे और एक फाइल भी बना लेते हैं। तो हमने कहा है कि भैया हमारी जो फाइल होंगी web-inf के अंदर पेजेस होंगे, तो हम web-inf के अंदर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस का, ठीक है, पेजेस का, फिनिश कर देते हैं, और हम लोग राइट क्लिक करते हैं और एक फाइल बना लेते हैं,
जिसका नाम दे देंगे होम डॉट जेएसपी, क्योंकि हम लोग कंट्रोलर से कह रहे थे कि भाई मुझे होम डॉट जेएसपी चाहिए, तो हम कह देंगे होम डॉट जेएसपी। और हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही एच वन में लिख देते हैं, दिस इज होम डॉट जेएसपी, ठीक है, और सेव कर देते हैं। और फिर से अपने प्रोजेक्ट को रीरन करते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट चला कि नहीं चला, अभी भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई कंप्लीट। तो हम सिंपली रन एज पे क्लिक करेंगे, रन ऑन सर्वर पे कर देंगे और सिंपली फिनिश कर देंगे और ओके कर देंगे। और वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा सारी चीज कॉन्फ़िगरेशन करने वगैरह वगैरह में। तो प्रोजेक्ट फिर से चल गया, लेकिन फिर से हमारा इंडेक्स पे चल रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फिर से हम लोग अपने स्प्रिंग वाले कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, लिखेंगे स्लैश होम और एंटर करेंगे। तो आप देखोगे दिस इज होम डॉट जे एस पी, परफेक्ट। दैट मीन्स हम लोग का कंट्रोलर चल चुका है। और ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने अपने होम कंट्रोलर से क्या बोला था भाई, होम पेज चाहिए। तो ये होम पेज इसको कहां से मिला, ये व्यू रिजॉल्वर ने दिया है होम पेज भैया। ये देखिए, आपने कहा कि मेरा जो होम पेज था वो वेब इनफ पेजेस के अंदर है जो खत्म हो रहा है डॉट जेएसपी से, और होम उसने यहां से उठा लिया। कहां से उठा लिया, इस कंट्रोलर से उठा लिया होम, परफेक्ट। अब हम लोग चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट चले, जब हम प्रोजेक्ट को चलाएं तो प्रोजेक्ट चलाएं तो ये चीज ना चले भाई, ये चीज ना चले, ये चीज ना चले, ये चीज ना चले, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या ओपन हो जाए, होम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडायरेक्ट करा सकते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएसपी से। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा ये पेज ओपन हो तो हम इसको रिडायरेक्ट कर दें। तो रिडायरेक्ट कैसे करते थे, नॉर्मल जेएसपी में हम लोग लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, सेंड रिडायरेक्ट। और हम लोग को सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम चाहिए, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, गेट कॉन्टेक्स्ट paths और स्लैश लगाते हैं, स्लैश, और फिर हमें क्या चाहिए भाई, होम, ठीक है, होम, या डायरेक्ट इसी के आगे लिख देते हैं होम, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, एक सेकेंड, सिंपली मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। और फिर से प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा बाय डिफॉल्ट होम को रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। तो फिर से अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करिए और रन एज पे जाइए और रन ऑन सर्वर पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट होम पेज ओपन हुआ, बट होम इंडेक्स डॉट जेएसपी ने रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब होम पे रिडायरेक्ट कर दिया और हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया। तो ये बेसिकली आपके पूरे स्प्रिंग प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कंट्रोलर में यहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और कई सारे कंट्रोलर को बना सकते हैं। कंट्रोलर को बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार कंट्रोलर बन गया तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर ये कंट्रोल क्या कर सकता है, आपका डेटाबेस वगैरह भी यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये बेसिक स्प्रिंग एमवीसी की कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, कोई जार फाइल चाहिए होगी, तो हम लोग उसको pom.xml में ऐड करेंगे। और अगर स्प्रिंग की कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी तो टू डू सर्वलेट के अंदर यहाँ पे होगी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो फिलहाल कंपोनेंट स्कैन पैकेज को स्कैन करने के लिए, और आपका व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, व्यूज को बताएगा, ठीक है, व्यूज को बताएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें बनाना है फ्रंट एंड का डिजाइनिंग करनी है। तो अगर आप खुद से HTML CSS की डिजाइनिंग करेंगे तो होपफुली बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको वो सारा फ्रेमवर्क यूज़ कर लेना है बूटस्ट्रैप का, आपको इनबिल्ट डिज़ाइन मिल जाएगी, हमें यूज़ करना है। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे नेट पे और गूगल पे हम लोग टाइप करेंगे यहाँ बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट मुझे ओपन करना है, तो मैं टाइप करूँगा बूटस्ट्रैप फोर। और गूगल की गूगल का सर्च रिजल्ट होगा उसका सबसे पहले जो वेबसाइट होगी getbootstrap.com, आप सिंपली क्लिक कर लोगे, ठीक है, तो इस पेज पे लाएगा। और अगर आप होम पेज ओपन करते भी हो तो आपको ऑप्शन दिखेगा गेटिंग स्टार्टेड, इस पे क्लिक कर लीजिएगा सिंपली। और आपको सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट, इस टेम्पलेट को सिंपली कॉपी कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट में सिंपली आ जाना है। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा कंट्रोलर होम कंट्रोलर में होम वाला फंक्शन चलता है और ये मुझे रिटर्न करेगा व्यू होम। तो बेसिकली हमारा ओपन होगा होम डॉट जे एस पी पेज। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टर टेम्पलेट हमने कॉपी किया था वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट। और हम लोग का कोडिंग एरिया है अपने बॉडी के अंदर, दैट मीन्स हम यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इतना करने के बाद सिंपली हम लोग आएंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो हम लोग अपने ब्राउजर पे आएंगे और जहाँ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है यहाँ पे हम सिंपली रिफ्रेश क्लिक करेंगे
और आप देखोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया और इसका फॉन्ट चेंज हो गया, इसका मतलब बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाएगा। ये सारा काम करते वक्त आप एक चीज का बस बहुत ज्यादा ध्यान दोगे कि ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये CDN है, ये जो लिंक है वो नेट से, बूटस्ट्रैप का CSS का लिंक है नेट से यूज कर रहे हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज नेट से यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट आपके सिस्टम में एक्टिव होना चाहिए और मुझे लगता है सबके कंप्यूटर में इंटरनेट तो एक्टिव होता ही होता है, क्योंकि अगर नेट नहीं एक्टिवेट करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे या फिर आप कोई चीज़ें कैसे रिसोर्सेज सीखोगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और कुछ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइटल में आइए और यहाँ पे लिख दीजिए आवर टू डू ऐप, ठीक है, ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम लोग इस चीज को हटा देते हैं और मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे बनाता हूँ। तो सिंपली मैं लगाऊंगा डेव क्लास क्लास और कंटेनर लगाऊंगा जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो भी कंटेंट हो सेंटर में आए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लगाएंगे H1 और लिख देंगे वेलकम टू टू डू मैनेजर, परफेक्ट। और हम सिंपली क्या करेंगे, सेव करेंगे और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो आपको रिजल्ट मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे करता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, चलूँगा अपने यहाँ पे और सेंटर पे करने के लिए आप H1 पे आ जाओगे और सिंपली क्लास लगाओगे यहाँ पे टेक्स्ट डैश सेंटर। और थोड़ा सा इस कंटेनर को हल्का सा नीचे कर देते हैं, तो मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप या मार्जिन वाई भी दे सकते हो, दैट मीन्स टॉप बॉटम दोनों। तो मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप डैश 5, ज़्यादा हो जाएगा तो डैश 3 दीजिए, तो हल्का सा ऊपर से मार्जिन आ जाएगा। आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे वेलकम टू टू डू मैनेजर, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन देने जा रहा हूँ लेफ्ट साइड में और इधर हमारे यहाँ पे वर्किंग स्पेस होगी, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में ऑप्शन होंगे एड टू डू, व्यू टू डू, डिलीट टू डू और साथ ही साथ में यहाँ पे इस तरफ ऑप्शन होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक रो, ठीक है, हम बनाएंगे क्लास रो, परफेक्ट। और रो के अंदर हम लोग दो कॉलम्स बनाएंगे, एक रो के अंदर हम लोग दो कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम कैसे क्रिएट करना, आप लोग लिखेंगे डेव क्लास, ये हो गया सिंपली कॉल और हम लगाएंगे हर एक रो को मिलता है 12 ग्रिड्स, तो अगर दो कॉलम बनाने हैं तो 6 ग्रिड के दो कॉलम बना सकते हैं। तो हम लोग लगाएंगे कॉल डैश MD6, तो ये क्या करेगा 6 ग्रिड लेगा और फिर एक कॉलम हम लोग और बना देते हैं। तो जस्ट इसको कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे आप इस तरफ लिखोगे तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑप्शंस, यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शंस, तो हम लोग H3 में लिख देते हैं ऑप्शंस और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कंटेंट। तो हम लोग इसको भी H3 में लिख देते हैं कंटेंट और सेव कर देते हैं। और अगर आप इधर आके रिफ्रेश करते हो तो आपको देखोगे दो चीज़ें दिख जाएगी, तो इस तरफ बेसिकली हमारा कंटेंट दिखेगा, ऑप्शन दिखेंगे और इस तरफ हमारा कंटेंट दिखेगा। थोड़ा सा इसको और फॉर्मेट करते हैं, तो इस रो को भी हल्का हम लोग नीचे लाते हैं, तो इसमें हम लोग आ देंगे मार्जिन टॉप, टॉप दे देंगे 4 और अगर आप आके रिफ्रेश करो तो देखोगे हल्का सा नीचे आ गया। उसके बाद हम लोग ऑप्शन इतना बड़ा होगा नहीं तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, हम लोग इस कॉलम को देंगे सिर्फ 3 ग्रिड्स या 2 ग्रिड्स और हम लोग इस कॉलम को दे देंगे 10 ग्रिड्स, टोटल मिला के 12 होनी चाहिए। तो अब हम लोग के पास देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, देखो परफेक्ट ये आ गया, इधर आ जाएगा हमारा कंटेंट और इधर आ जाएगा हमारा ऑप्शंस, ठीक है। कंटेंट को सेंटर पे करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लास क्लास में लगा सकते हो टेक्स्ट डैश सेंटर और आप सेव कर दीजिए। इधर आके आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, परफेक्ट, हमें तो लग रहा है एकदम परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग सारा अपना काम कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग सेंटर पे कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर आ जाते हैं इधर और हम लोग क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं। और ऑप्शंस में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देने जा रहा हूँ, तो हम लोग बूटस्ट्रैप में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिस्ट ग्रुप, तो हम लोग लिस्ट टाइप करिए, देखो लिस्ट ग्रुप आ जाएगा। यहाँ से कुछ ऑप्शंस कॉपी करेंगे हम लोग, तो आएंगे ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं हम लोग, लिंक आपको मिल जाएंगी यहाँ से या इससे मिल जाएंगी, ठीक है, या इससे मिल जाएंगी। तो हमें दो चाहिए बट फिर भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और ऑप्शंस के नीचे हम इसको क्या करेंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे और फिर से हम फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने का कोड सिंपली है, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड शिफ्ट F, आप सिंपली आओगे और अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब फिलहाल ये ऑप्शंस हटा सकते हो, इसे मैंने देखने के लिए लगाया था, चले भाई इसको हटा भी देते हैं,
ठीक है, आपको बहुत आराम से परफेक्टली सब कुछ करना है। रिफ्रेश कर दोगे, देखोगे आगे, ठीक है। तो दो अगर कम लग रहा है तो आप इसी तरह कॉलम्स बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले वाले को कर देता हूँ मेन्यू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दूसरे वाले को, बटन को कर देता हूँ ऐड, ऐड टू डू, और तीसरी इसको कर देता हूँ व्यू टू डू, व्यू टू डू, बाकी को हटा देता हूँ। ऐसे करके आप ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दो रखा हूँ, दो हटा दिया हूँ। बाद में जब लिंक देना होगा तो इन बटन को मुझे चेंज करके करना पड़ेगा एंकर टैग्स, तो वो सारा हम लोग कर लेंगे। तो परफेक्ट, मेन्यू में ऐड टू डू, व्यू टू डू, और साथ ही साथ में हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू का एम कैपिटल कर देते हैं, मेन्यू का एम कैपिटल कर देते हैं। तो बस एक सेकेंड, ठीक है, मेन्यू का एम कैपिटल कर देते हैं, और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं अपने इसको मार्जिन 5 दे देते हैं, हल्का सा और नीचे कर देते हैं। परफेक्ट, अब हम ऐड भी कर पाएंगे टू डू, व्यू कर पाएंगे टू डू। अब हम लोग देखते हैं कि अपने हम लोग अपने कंट्रोलर से व्यू में किसी डेटा को कैसे भेज सकते हैं। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोग को। तो ये जो हमारा जेएसपी पेज है home.jsp, ये एक्चुअली हमारा व्यू है, और हमने जो होम कंट्रोलर बनाया था ये हमारा कंट्रोलर है, और ये एक मेथड है जो एक URL पे एग्जीक्यूट होता है जब आप स्लैश होम फायर करो। तो हम अब देखना चाहते हैं कि सपोज आपके पास एक कोई वेरिएबल है, यहाँ पे सपोज हमें लिख लिया है एक वेरिएबल str, और str में हमने रख दिया है होम, होम रख दिया है। अब ये वेरिएबल का जो डेटा है str home, ये हम लोग अपने इस वाले home.jsp पे कैसे ले जाके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अपने कंट्रोलर से व्यू में कुछ ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक मॉडल ऑब्जेक्ट, जो कि डायरेक्ट आपको इस होम में आके दे देना होता है। तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ मॉडल, तो बस एक सेकंड, आपको सिंपली यहाँ पे आना है और आपको यहाँ लिखना है मॉडल, कंट्रोल स्पेस दबाइए, सजेस्ट कर देगा। तो आपको सिंपली मॉडल यूज कर लेना है, और मॉडल यहाँ पे आपको एम ले लेना है, ठीक है। ये बेसिकली इस मॉडल में हम लोग कोई चीज रख सकते हैं, वो अपने आप आपके व्यू में चली जाएगी। मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ आप रखोगे कैसे। आप यूज करोगे एम डॉट एड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो, एड ऑल एट्रीब्यूट, कोई कलेक्शन भी पास कर सकते हो, कोई मैप पास कर सकते हो, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, या आप की और वैल्यू पेयर दे सकते हो। तो मैं यहाँ की वैल्यू पेयर दे रहा हूँ, तो मैं करूँगा str की दे दूंगा, और यहाँ वैल्यू मैं दे दूंगा str की वैल्यू। अब होगा क्या, हमें अपने व्यू में इस str की हेल्प से डेटा निकालना है। अगर हम यहाँ पे नेम रख देते तो हमें इस नेम से जब मैं डेटा फेच करूंगा तब जाके ये वाली वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स होम मिलेगा। चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब अपने होम में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं डेटा प्रिंट करता हूँ, तो मैं डेटा प्रिंट करूँगा, आपका डेटा लाऊंगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, कंटेंट में प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे प्रिंट करना है, सिंपली मैं लगाऊंगा H1, और डायनेमिक डेटा लाने के लिए मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ JSTL। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी JSTL वाली, तो आप JSTL वाली वीडियो देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डेटा को प्रिंट वगैरह करने के लिए यूज करने वाले JSTL, ठीक है। तो आपको JSTL की लाइब्रेरी चाहिए होगी, तो आप सिंपली आ जाइए, JSTL की टैग लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले JSTL की टैग लाइब्रेरी हमको अपने प्रोजेक्ट में लगानी होगी। तो आपको गूगल पे या मेवन रिपोजिटरी पे आ जाइए, तो यहाँ पे लिख दीजिए JSTL मेवन, ठीक है। जैसे आप JSTL मेवन लिखोगे तो आपको जो ये वाली पहली वेबसाइट होगी इसको ओपन कर लीजिएगा, और 1.2 वाली सिंपली इसकी भी डिपेंडेंसी आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी भी डिपेंडेंसी हम लोग कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आएंगे अपने प्रोजेक्ट में और pom.xml में इसको भी चिपका देंगे यहाँ पे, तब हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ये बेसिकली मैंने अपने मेवन से बोला है कि भैया मुझे डिपेंडेंसी चाहिए किसकी, JSTL की। इतना करने के बाद जैसे आप सही करोगे ये खुद से इतना काम कर देगा आपका। अगर डिपेंडेंसी नहीं आती तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मेवन पे आना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा अपडेट प्रोजेक्ट, सिंपली आपको अपडेट प्रोजेक्ट और ओके कर देना है। जैसे इतना काम करोगे अपने आप से डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो आप देख पाओगे JSTL 1.2 जार फाइल अपने आप आ गई, ठीक है। तो मैं JSTL की जो कोर लाइब्रेरी उसको यूज करूंगा। तो आपको अपने होम पेज पे आना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टैगलिप की हेल्प से लाइब्रेरी को इंक्लूड भी करना है। तो हम लोग नेट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से गूगल करेंगे JSTL URI, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं कोर URI,
कोर URI, JSTL कोर URI, तो ये मुझे दे देगा URI। आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हो या आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जा सकते हो और सिंपली आपको लाना है URI, ठीक है। तो हम लाएंगे कोर की URI, ये देखिए कोर टेक की URI, सिंपली इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने होम पेज में जिस पेज में भी आपको यूज करना उसमें आके यहाँ पे सिंपली चिपका दीजिए धीरे से, ठीक है। तो मैंने ये बताया है कि मैं यूज करने वाला हूँ, टैगलिप। किसकी हेल्प से यूज करूंगा? प्रीफिक्स मतलब सी की हेल्प से मैं यूज करूंगा। और URI हमारी जो है वो है हमारे दिस http://java.sun.com/jsp/jstl.co। अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे अगर आपको यहाँ प्रिंट करना था तो आप C:, जैसे कोलन लगाओगे कंट्रोल स्पेस करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे टैग्स दिख जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे आउट यूज करूंगा और आउट में वैल्यूज में मैं यूज करूंगा एक्सप्रेशन लैंग्वेज और सिंपली मैं क्या करूंगा अपना वेरिएबल नेम वाला प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने की दी है जो मैंने यहाँ से भेजा था, ये नेम दिया है, तो वो प्रिंट वहां पे क्या करेगा इस str की वैल्यू दैट मीन्स होम प्रिंट करेगा। इतना काम करना है आपको, कोई डेटा ले जाना है यहाँ पे तो डेटा आप सिंपली मॉडल की हेल्प से जा सकते हो, मॉडल के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और यहाँ से आप डेटा उठा के ले जा सकते हो अपने व्यू में और फिर उसको JSTL की हेल्प से क्या कर सकते हो प्रिंट कर सकते हो और एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो। एक तरीका और है, आप मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो पर सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा होम प्रिंट हो रहा है, ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो अगर मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूं, रन एज पे जाता हूं, रन ऑन सर्वर करता हूं तो मैं ओके करूंगा तो हमारा सर्वर रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद हमारा फिर से प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये चीज रिजॉल्व नहीं हुआ, ये चीज एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग और करनी है, अपने होम पेज पे आना है और होम पेज पे जस्ट इसके नीचे आपको सिंपली फिर से एक टैग लगाना है और @page और यहां पे लिखना है यूज, या ऐसे लिखते हैं इज EL ignored को फॉल्स कर देना है, इज EL ignored फॉल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप आइए और फिर से अपने पेज को रिफ्रेश करिए, जैसे पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये होम है, ये वैल्यू कहां से आ रही है, आपके इस कंट्रोलर से आ रही है। अगर मैं यहां पे नाम दे दूंगा अपना, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पे हमारा नाम प्रिंट होगा, दैट मीन जो हम अपने कंट्रोलर में कुछ प्रिंट वगैरह करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली, ठीक है। आप इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद तभी आप रिफ्रेश करेंगे जब ये रीलोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप इसको दोबारा प्रोजेक्ट को रन कर लीजिएगा। अब सिंपली मैं आके यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कंटेंट आ गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं ये भी भेज सकता हूँ कि मुझे कौन सा पेज दिखाना है, तो सपोज मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग में लेता हूँ कि मुझे एक पेज दिखाना है होम, ठीक है, होम पेज दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पेज। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, पेज की वैल्यू दिखाऊंगा, देखिए कैसे। अगर मैं पेज प्रिंट करूँगा तो अगर मैं अपने home.jsp पे आता हूँ और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पेज और सेव कर दीजिए, सेव करने का मतलब जब ये रीलोड कर लेगा तब जाके हम रिफ्रेश करेंगे वहाँ पे, तो हम लोग आ जाते हैं वापस, रीलोड कर लिया होगा, देखते हैं भाई होम आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें तभी प्रिंट करना चाह रहा हूँ जब पेज की वैल्यू होम हो, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, मैं अपने होम कॉन्टेक्स्ट को, दैट मीन्स ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं कुछ चीज़ें प्रिंट करूँगा जब होम पेज हो, दैट मीन्स आप इफ़ भी लगा सकते हो, ऐसे इफ़ लगा सकते हो C:if, और मैं कहूँगा अगर पेज की वैल्यू जो है वो होम है, दैट मीन्स आप होम पेज चाह रहे हो, तभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा दिस इज़ होम पेज, मैं लूँगा दिस इज होम पेज, परफेक्ट। दैट मीन्स अब जब होम फायर होगा तभी आपको होम पेज दिखेगा। तो अगर मैं क्या करूँ, ठीक है, दिस इज होम पेज, इसके अंदर मतलब जब आप होम पे हो तो मैं इसके अंदर कोडिंग करूँगा इस वाले इफ के अंदर, और मैं क्या करूँगा सिंपली इसी तरह मैं लगा सकता हूँ एड पेज, तो मैं क्या करूँगा ऐसे सी लगा दूंगा इफ C:, और यहाँ पे अगर चेक करूँगा कि अगर आपने एट्रीब्यूट पेज का सेट किया है एड, तो मैं करूंगा मुझे ऐड करना है और ऐड वाला कोड मैं इधर लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे लिख देता हूं ऐड टू डू,
एड टू डू, ये एड टू डू तब चलेगा जब आप पेज की वैल्यू ऐड रखोगे। तो अभी बताते हैं कब हमें ऐड रखना है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लास, और क्लास में लिखते हैं सेंटर डैश टेक्स्ट, सेंटर डैश टेक्स्ट या टेक्स्ट सेंटर होता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट डैश सेंटर, परफेक्ट। और इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं ऑल टू डूज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं ऑल टू डूज दिखाने वाला हूँ, तो ऑल टू डूज, ठीक है, ऑल टू डूज। तो जब आप होम पेज पे होगे तो ऑल टू डूज दिखेगा। और इसमें भी लगा देते हैं हम लोग क्या, इसमें भी लगा देते हैं हम लोग, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और हम लोग एक बार कॉन्टेक्स्ट को रीलोड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ऑल टू डूज बाई डिफॉल्ट ऑल टू डूज दिखेंगे। दैट मीन्स व्यू टू डूज वाला काम हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, व्यू टू डूज वाला काम हम लोग होम पे कर देंगे। और एड टू डूज पे क्लिक करने पे हमें चलना है ऐड करने के लिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक फंक्शन और बनाऊंगा अपने होम कंट्रोलर में। सिंपली देखिए एग्जैक्टली मैं बनाऊंगा पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एड टू डू, और यहाँ पे मॉडल ले लूँगा क्योंकि मुझे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी अभी, मॉडल एम, और मैं उसी पेज पे फिर से भेजूंगा क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है तो हमें व्यू होम ही चाहिए। बट मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। ध्यान से देखिए, दिमाग का मतलब ये है कि अगर मैंने एट्रीब्यूट पेज की वैल्यू यहाँ पे दी थी होम, तो होम ये वाली इफ की कंडीशन चल रही थी, ये वाली कंडीशन चल रही थी, तो इसके अंदर मुझे कोडिंग करनी थी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से पेज की वैल्यू ऐड भेज दूँ तो हमारी ये वाली कंडीशन चल जाएगी, दैट मीन्स ऐड टू डू वाला चल जाएगा। तो परफेक्ट है, इतना आपको करना है, सिंपली यहाँ पे मॉडल में डॉट ऐड एट्रीब्यूट में पास कर देना है, ऐड एट्रीब्यूट में सिंपली पास कर देना है, पास कर देना है पेज, और पेज की वैल्यू इस बार मैं रख दूंगा ऐड, परफेक्ट। तो एक ही पेज में क्या होगा, पूरा का पूरा आपका दोनों हिस्से चलते रहेंगे, ठीक है। और इसको कब चलाना भाई, इसको हमें चलाना जब रिक्वेस्ट मैपिंग हो, तो परफेक्ट। उधर इस तरफ सेव बाद में करिएगा, पहले एट द रेट लिखिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मैपिंग, और ये मैं चलाऊंगा जब 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 आप स्लैश ऐड फायर करोगे, ठीक है, स्लैश ऐड फायर करोगे तब ये चीज चलेगी। अब इसको सेव कर लीजिए, एक बार जैसे सेव करोगे तो ये अपने आप से रिलोड करेगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर रिलोड नहीं करता तो आपको करना है खुद से, खुद से कैसे करोगे, प्रोजेक्ट को रीरन कर दोगे। तो हम लोग आ जाएंगे वापस और हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग दूसरा फंक्शन कैसे चलाएंगे, ये वाला फंक्शन हमें फायर करना है ऐड, स्लैश ऐड। तो आते हैं यहाँ पे और हम फायर करते हैं यहाँ पे स्लैश ऐड, स्लैश ऐड, स्लैश ऐड, एंटर करते हैं तो आप देखोगे ऐड टू डू आ गया। ऐड टू डू इसीलिए आया क्योंकि अब ये इस बार ये फंक्शन चला है, व्यू आपका होम ही दिखा लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या गई, पेज की वैल्यू ऐड गई, और जैसे ही ऐड गई तो हमारा दूसरा वाला ये वाला कंडीशन चल गया, तो ऐड टू डू यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्यू करने पे होम पेज पे जा पाए, ऐड करने पे तो ऐड वाले पे जा पाए, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और अपने मेन्यू पे इस बटन को चेंज करेंगे एंकर टैग से, बटन को चेंज कर देंगे एंकर टैग से, तो आप आराम से करिएगा, गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से एंकर टैग बदल गया और यहाँ पे एचआरएफ कर देते हैं, ये ऐड टू डू है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले मुझे चाहिए भाई, ध्यान से देखिए, आपको चाहिए सी सी कोलन, सबसे पहले आप URL यूज करोगे और URL में हम यूज करने वाले हैं वैल्यू, ठीक है, URL में हम लोग यूज करने वाले हैं वैल्यू, और वैल्यू में मैं क्या रखूँगा, वैल्यू में मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे स्लैश ऐड, स्लैश ऐड, परफेक्ट। अब हम लोग इसके लिए भी करेंगे तो इसका भी एंकर टैग ए यूज़ कर लेंगे और ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम लोग लगाने वाले हैं HRF। अगर आपको JSTL नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक बार जाकर उसको देख लीजिए, समझ जाएंगे। फिर मैं C कोलन में फिर से URL लिखूंगा और URL में मैं सिंपली फिर से वैल्यू लिखूंगा और वैल्यू में मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्लैश होम पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप व्यू टू डूज देखोगे, व्यू टू डूज पे क्लिक करोगे तो होम पे चला जाएगा, स्लैश होम फायर हो जाएगा। ऐड टू डूज पे, ऐड टू डू पे करोगे तो ये स्लैश ऐड फायर हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। देखिए स्लैश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ऐड टू डू ऑलरेडी है, व्यू टू डू पे जाता हूँ तो देखिएगा, परफेक्ट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस टाइटल को भी बदल सकते हो उसी इफ कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, उसी इफ की कंडीशन के हिसाब से। देखिए कैसे, यहाँ पे आप आ जाइए और टाइटल में भी देखिए, टाइटल है ना यहाँ पे, टाइटल, यहाँ पे टाइटल में आप सिंपली सी की हेल्प से प्रिंट कर दीजिए, सी आउट, आउट में क्या प्रिंट करेंगे देखिए, सी, ठीक है, सी कोलन, सी कोलन, सी कोलन,
आउट, और इसमें क्या प्रिंट करिए, वैल्यू में सिंपली आप यहाँ पे किसकी वैल्यू, यहाँ पे आप पेज की वैल्यू, तो पेज की वैल्यू देखिए, पेज की वैल्यू आप यहाँ से भेज रहे हो, तो जब आप होम पे फायर करोगे तो पेज की वैल्यू आएगी होम, जब ऐड फायर करोगे तो पेज की वैल्यू आएगी ऐड। ठीक है, तो आ जाइए वापस, आ जाए हम लोग वापस आ जाते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप टाइटल भी देखो ऐड है, जब आप व्यू पे करोगे तो होम आ गया, ठीक है, व्यू पे करोगे ऐड आ गया, इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब बहुत आसान है, हमें सिंपली ऐड वाले में फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म कहाँ पे बनाएंगे भाई, फॉर्म हम लोग बनाएंगे इस ऐड के अंदर, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म कैसे बनाएंगे, फॉर्म भी सिंपली मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा स्प्रिंग फॉर्म वाली लाइब्रेरी को यूज़ करके, ठीक है, कैसे बनाऊँगा सारी चीज़, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग को टू डू नाम का एक मॉडल बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को रखेंगे, फॉर्म को रखेंगे, तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं सिंपली, तो हम लोग अपने सारसी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा के क्लास पे जाएंगे और इसका नाम दे देंगे टू डू, ये सिंगल टू डू है, मतलब एक टू डू, एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक टू डू होगा मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका भी एक पैकेज देते हैं, कंट्रोलर में ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे हम लोग एंटिटी में, ठीक है, एंटिटी, ठीक है, एंटिटीज एंटिटीज एंटिटीज, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये देखेंगे दो पैकेज हैं, एक कंट्रोल में कंट्रोलर है, टू डूज में टू डूज रहेंगे। टू डू के पास होगा क्या क्या भाई, सबसे पहले एक ले लेते हैं प्राइवेट, प्राइवेट स्ट्रिंग टू डू टाइटल, एक टाइटल हो जाएगा और प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू डू कंटेंट हो जाएगा, और एक कब ऐड किया गया टाइम ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लेंगे टाइम, डेट ले लेते हैं, ठीक है, डेट ले लेते हैं, यूटिल डेट, डेट परफेक्ट, या आप टू डू डेट, टू डू डेट। और मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि डेटाबेस यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर मैं जब कोर्स सीरीज बनाऊंगा स्प्रिंग पे, उस केस में मैं आपका डेटाबेस यूज़ करूँगा, कैसे आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग ORM वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हो, बाकी डेटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा सिंपली मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली जाओगे सोर्स पे, सोर्स पे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ठीक है, और आप सिंपली सेलेक्ट ऑल पे करके जनरेट कर दोगे तो एक कंस्ट्रक्टर बन गया। इसी तरह गेटर्स एंड सेटर्स बना लीजिए, तो आप फिर से सोर्स पे जाओगे, ऑप्शन मिलेगा गेटर्स एंड सेटर्स, क्लिक कर दीजिए और सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, जनरेट कर दीजिए, और भी कुछ चीज़ें, आपको टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए तो टू स्ट्रिंग बना लीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो फिर से आप क्या करिए, सोर्स पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओवरराइड स्लैश इंप्लीमेंट मेथड्स, क्लिक कर दीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है, आप क्या करिए टू स्ट्रिंग मेथड को चेक कर लीजिए और ओके कर दीजिए, परफेक्ट, टू स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या करना है, टू स्ट्रिंग में रिटर्न क्या करना है, जब भी आप ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो मैं टू डू का टाइटल प्रिंट करूंगा, तो लिखूंगा डिस डॉट टाइटल गेट टाइटल, और फिर मैं क्या करूंगा कोलन प्रिंट करूंगा, और फिर ध्यान से देखिए, फिर दिस डॉट टू डू कॉन्टेंट प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दोगे वो टाइटल और कॉन्टेंट प्रिंट कर देगा, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना के हम लोग भेजने वाले हैं अपने व्यू पे, तो कब ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई, देखो जब आप ऐड कर रहे होगे तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, टू डू, टू डू लिखूंगा, टू डू, टू डू और टी ले लो इक्वल टू न्यू टू डू, मतलब एक नया टू डू है जिसके अंदर कुछ है नहीं, ब्लैंक है, ठीक है, तो ब्लैंक के लिए हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो शायद हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो हम लोग आके वापस और एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जहाँ मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर है उसी के नीचे सोर्स पे चलते हैं, और फिर से एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास, क्लिक कर दीजिए, ठीक है, कहीं नहीं आया, नहीं आया तो फिर से करिए जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास, ओके कर दीजिए, तो ये ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको भी सेव कर लो एक बार भाई, सेव करना मत भूलना, यहाँ पे आते हैं, अब देखो एरर गायब हो गई, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए मैं अपने मॉडल में ऐड करूँगा इसी को, ऐड एट्रीब्यूट, तो ये चीज़ इसको थोड़ा सा मैं किनारे कर देता हूँ, या नीचे कर देते हैं इसको, जब ज़रूरत होगी तो हम लोग देखेंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ हल्का सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ ऐड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में मैं लिखूँगा टू डू, ठीक है, टू डू, और सिंपली मैं कॉलम कॉमा लगाऊंगा और टी की वैल्यू, अभी टी में कुछ है नहीं, टी मतलब ब्लैंक, टी टी मतलब ब्लैंक है, परफेक्ट।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं। देखिए कैसे ये सारी ये करेंगे, कैसे आते हैं और हम लोग अपने इंडेक्स पेज पे फॉर्म हमें बनाना है, जब ऐड होगा तब, दैट मीन्स यहाँ इस इफ के अंदर फॉर्म बनाना है। तो मैं यूज करने वाला हूँ स्प्रिंग फॉर्म लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम लोग को लगाना होगा स्प्रिंग की फॉर्म लाइब्रेरी। तो हम लोग नेट पे चलेंगे, उसका टैगलिप वाला चीज कॉपी करके लाएंगे। तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट बंद कर देते हैं और हम लोग आ जाते हैं गूगल पे, सर्च करते हैं स्प्रिंग फॉर्म लाइब्रेरी। ठीक है, नॉर्मल से बना सकते थे हम लोग, तो इसको एक काम करते हैं, स्प्रिंग फॉर्म क्लिक करिए, दैट्स इट। अब देखोगे यहाँ पे कोई वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे स्प्रिंग फॉर्म हैंडलिंग एग्जांपल इसको ओपन कर सकते हो। और हमें सिर्फ URI चाहिए, तो URI कहाँ मिलेगी, URI आपको आपको कहाँ मिलेगी भाई, ठीक है, URI तो बैक चलते हैं, यहाँ पे URI नहीं मिल रही, इतना आप लोग ढूंढ भी नहीं पाओगे। हम लोग दूसरे वाले पे वेबसाइट ओपन करते हैं, इस वाले वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं URI क्या कहाँ मिल पाएगी। ठीक है, तो नीचे आते हैं, व्यू, ये रही URI। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप लोग को परेशानी ना हो। इस URI को सिंपली कॉपी कर लीजिएगा, ये स्टार्ट है, प्रीफिक्स का फॉर्म है और ये है www.springframework.org/tag/form। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपको एक एक चीज फेच नहीं करनी पड़ेगी, अभी देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने पेज में लगा लेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर लगा सकते हो, जैसे आप ये यूज करते हो वैसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए सिंपली। अब फॉर्म बनाने के लिए हम इस फॉर्म वाली टैगलिप डायरेक्टरी को यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, सिंपली देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्ट फॉर्म नहीं बना देना, अगर आपको फॉर्म बनाना है तो आपको लेस देन फिर फॉर्म लिखना है। जब फॉर्म लिख दोगे ऐसे आ जाएगा, ये HTML का फॉर्म है, ये नहीं करना आपको, तो इसको कंट्रोल जेड कर दीजिएगा। आप पूरा फॉर्म टाइप करिएगा फिर कोलन लगाएगा, क्योंकि हम लोग JSTL वाला यूज करेंगे, फॉर्म के अंदर टैग्स हैं। ठीक है, तो हम लोग कोलन लगाएंगे, तो देखिए बता रहा है, हम कहेंगे भैया हमें बनाना है फॉर्म। परफेक्ट, फॉर्म बन गया। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें बतानी है भाई, देखिएगा, कुछ चीजें बताने का मतलब इस फॉर्म में कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी, भाई ये फॉर्म कहाँ पे जाएगा, किस URL पे जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्शन दे देंगे, हम कहेंगे भैया जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमें इसे ले जाना है सेव टू डू पे ले जाना है। परफेक्ट, उसके बाद हम इसका मेथड क्या रखेंगे भाई, मेथड पोस्ट रखेंगे। पोस्ट मतलब जो आपका डेटा होगा URL में नहीं दिखेगा, वो डायरेक्ट जाएगा आपके पास हेडर है, जो आपका मतलब जो भी डेटा जा रहा होगा वो पैकेट के बॉडी में जा रहा होगा, हेडर में नहीं जा रहा होगा, तो URL में नहीं दिखेगा। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा डेटा भेज सकते हो इस पोस्ट की हेल्प से, इतना तो आपको मुझे लगता पता होगा, नहीं पता तो हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, HTML का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब हमें सबसे पहली फील्ड बनानी है, तो सबसे फर्स्ट फील्ड, सबसे पहले बूटस्ट्रैप कहता है कि यार कोई भी आपको फील्ड बनानी है तो आप डिव लगाइए और इसको इस फील्ड को रख दीजिए एक क्लास में जिसका नाम है फॉर्म ग्रुप। परफेक्ट, ठीक है, अब हमें यहाँ फील्ड बनानी है, तो फील्ड बनाने के लिए मैं फिर से यूज करूंगा स्प्रिंग फॉर्म। ठीक है, तो हम लिखूंगा फॉर्म कोलन इनपुट। ठीक है, और पाथ का मतलब है, सिंपली पाथ का मतलब है, ध्यान से देखिए, पाथ का मतलब होता है कि इस टू डू ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने यहाँ से भेजा है, इस टू डू ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी फील्ड है, आपने फील्ड यहाँ पे लिए हैं, टू डू टाइटल, टू डू कंटेंट, टू डू डेट, तो आप किस फील्ड में ये वैल्यू रखना चाह रहे हो, इस टी के किस फील्ड में टू डू टाइटल के अंदर, कि टू डू कंटेंट के अंदर, कि टू डू डेट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने, और मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भैया टू डू टाइटल है मेरा। और परफेक्ट, बाकी सब चीज आप ऐसे रख सकते हैं, क्लास लगानी है तो आप CSS क्लास लिखिए, लगा दूंगा फॉर्म कंट्रोल, और भी क्लास लगानी तो आप लगा सकते हो, इवन प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर टू डू टाइटल, एंटर योर टू डू टाइटल। परफेक्ट, तो अभी मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको क्या है। एक चीज और इस फॉर्म पे लगाएंगे, दैट मीन्स इसका डेटा किस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा रिसोर्स, देखोगे कुछ और ये बता रहा है, देखो ये बहुत सारी चीज बता रहा है, हम लोग लिखेंगे यहाँ, देखो मॉडल एट्रीब्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल एट्रीब्यूट का मतलब कि आप यहाँ से जो आप भेज रहे हो टू डू, वो जो भी डेटा वहाँ फिल करोगे इस टू डू वाले वेरिएबल में जाएगा, इस टी के अंदर जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टू डू, ठीक है। टू डू मतलब फॉर्म को हम रेफर करना चाहते हैं। अब इसका मतलब एक बटन बन चुकी होगी, अगर आप आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हो अपने ऐड पे, ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे एक फील्ड बन चुकी है जिसमें लिखा है एंटर योर टू डू टाइटल, टाइटल वाली फील्ड बन चुकी है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी इसको सही भी करेंगे, सही करेंगे, बट हम लोग एक फील्ड और बनाते हैं। तो हम लोग इस बार फिर से क्या करेंगे, देखो मैं लिखूंगा डेफ क्लास क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, और हम लोग यहाँ पे फिर से इस बार मैं टेक्स्ट एरिया लूंगा, तो मैं लिखूंगा फॉर्म कोलन टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और पाथ मतलब इस बार इसकी वैल्यू आप उसके टू डू के किस फील्ड में रखना चाह रहे हैं, तो मैं लिखूंगा टू डू कॉन्टेंट, ठीक है। और फिर से मैं CSS क्लास लिखूंगा, CSS क्लास, क्लास मेरी है फॉर्म डैश कंट्रोल, और प्लेस होल्डर में लिख दूंगा एंटर योर टू डू कॉन्टेंट। तो अगर आप सेव करते हो इसको, तो अगर यहाँ के रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कंटेंट का यहाँ पे फील्ड भी आ गया, टेक्स्ट एरिया बन गया, तो परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इसकी हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाइट हल्की सी बढ़ा देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या है ये, बाय डिफॉल्ट अभी इतनी हाइट है, तो हाइट हल्की सी मैं बड़ा करता हूँ इसकी। तो हाइट बड़ी करने के लिए सिंपली इस पर CSS लगाना होगा, तो भाई CSS लगा देते हैं यहाँ पे, नीचे चलते हैं, लिखते हैं CSS, देखते हैं CSS स्टाइल, स्टाइल में लगा देते हैं HEIGHT हाइट, हाइट रख देते हैं इसकी 300 पिक्सल। सेव कर देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। टू डू टाइटल, टू डू कंटेंट, अब इसको वैलिडेट वगैरह भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग ऐड करते हैं। और हल्का सा इस फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्म में यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा देते हैं, तो BR लगा देते हैं, डायरेक्ट लाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, लाइन चेंज कर देते हैं, और ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे टू डू, अब एक बटन बनाते हैं जो कि सेंटर पे हो, सबमिट की बटन, तो फॉर्म के अंदर ही बनानी है आपको। तो मैं लिखूंगा क्लास डैश, क्लास होगी ये कंटेनर, कंटेनर इस क्यों ले रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, बटन नॉर्मल अब बना दीजिए, बटन में लिख दीजिए ऐड, ऐड टू डू, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं क्लास, क्लास में लिख देंगे बटन, और लिख देंगे बटन आउटलाइन, आउटलाइन सक्सेस, बटन आउटलाइन सक्सेस, परफेक्ट। अब इसको सेंटर करने के लिए आप कंटेनर पे लगा दीजिए टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, और हम लोग क्या करते हैं बैक चलते हैं और सिंपली, ठीक है, ऐड टू डू, बटन आ गई, परफेक्ट। तो हमारा फॉर्म रेडी है। अब लोग क्या करना है, ये फॉर्म लेके जाना है, क्योंकि अगर अभी आप कुछ लिखोगे तो टू डू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सेव टू डू कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, सेव टू डू कॉल हो रहा है। एक चीज और है भाई, देखो टू डू के बाद स्लैश डैश लगाया था, तो यहाँ पे हल्का दिक्कत हो रहा है, आपने ये देखिए यहाँ पे दे दिया स्लैश टू डू, तो आप सिंपली सेव टू कर दो, ठीक है, सेव टू कर दो। अभी देखो इससे होगा क्या कि अगर आप लिखोगे, क्लिक करोगे तो आपके प्रोजेक्ट के बाद सेव टू डू, दैट मीन्स ये रिलेटिव URL हम लोगों ने दे दिया, तो रिलेटिव URL काम चलेगा, अदरवाइज सिंपली आपको कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है, जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे URL दिया ना CURL, वैसे ही आपको यहाँ पे देना होगा, देखो कैसे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई दिक्कत ना हो तो आपको C:URL लिखना है, और URL में वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू के अंदर फिर से आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे स्लैश लगा के आपको टू डू की वैल्यू देनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने यूज किया है GSTL कोर टैग वैल्यू देने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कोई वैल्यू देके, परफेक्ट। अब हम लोग को ये हैंडलर बनाना सेव टू डू, तो हम लोग आ जाते हैं अपने कंट्रोलर में, अपने कंट्रोलर में आ जाते हैं, कंट्रोलर में आ गए भाई, कंट्रोलर में एक मेथड बनाते हैं सेव टू डू के लिए। तो हम बनाएंगे पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग सेव टू डू, सेव टू डू, और एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग मॉडल ले लेते हैं भाई अपने पैरामीटर में, नीचे आ जाते हैं, और हम लोग स्ट्रिंग एक व्यू रिटर्न करेंगे। तो हम सारा काम होम पे ही कर रहे हैं, आप चाहो तो बाकी पेजेस बना लो, बहुत सारे पेजेस पे काम कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अदरवाइज जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लर्निंग वाला प्रोजेक्ट है ये, बहुत सारी चीज़ से सीखोगे आप। फिर मैं क्या करूँगा, स्लैश रिक्वेस्ट मैपिंग, स्लैश रिक्वेस्ट मैपिंग, और मुझे क्या करना है, मुझे इस बार चलाना है सेव टू डू, सेव टू डू पे, दैट मीन्स जैसे मैं सेव टू डू फायर कर रहा हूँ हमारा ये चल जाएगा, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। बट
आप जो फॉर्म सेंड कर रहे हो यहां से अपने व्यू से, देखिए फॉर्म जो सेंड कर रहे हो उसका जो मेथड है वो पोस्ट है, बट बाय डिफॉल्ट होता क्या है, बाय डिफॉल्ट ये गेट पे अप्लाई, मतलब गेट पे सेट है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है गेट की रिक्वेस्ट, और हमें इसको चेंज करके करना है पोस्ट। तो देखो करना क्या है, आपको कई सारे पैरामीटर देने हैं, तो मैं यहां लिखूंगा वैल्यू, और वैल्यू में लिख दूंगा अपना सेव टू डू, और कॉमा लगा के यहां पे मैं मेथड भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, और मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। ठीक है, अब ये मेथड पोस्ट पे कॉन्फिगर हो गया, दैट मींस अब ये पोस्ट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब अब ये फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, बट फॉर्म के डेटा को कैसे निकालेंगे भाई, ये दिक्कत हो गई। हम लोग जब सर्वलेट पढ़ते थे तो हम लोग निकालते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फिर पैरामीटर पैरामीटर जो हम लोग देते थे यहाँ पे उसका नाम देते थे, बट यहाँ पे वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे आपने लिया था मॉडल एट्रीब्यूट टू डू, और यहाँ पे जो आपने पाथ लिया था वो सारे आपके फील्ड की वैल्यू थी उस वाले टू डू वाले क्लास के। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इतनी चीज प्रोवाइड करे आपको, आपको सेव टू डू में आना और यहाँ पे यूज करना है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट, और आपको ब्रैकेट में बताना है कि यहाँ से आप भेज कैसे रहो, उस मॉडल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लोग क्या दे देंगे, टू डू दे देंगे, टू डू दे देंगे, और जो वैल्यू आएगा वो हमारे इस क्लास में आ जाएगा जिसका नाम है टू डू क्लास, और टी ले लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे इसमें। बट जाओ में स्ट्रिंग को लेते हैं हम लोग किसमें, डबल कोट्स के अंदर, परफेक्ट। तो अब जो डेटा आएगा वो सारा डेटा किसमें आ जाएगा, इस टी में आ जाएगा, उस वो पूरा का पूरा फॉर्म टी में आ जाएगा। ये कैसे आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि हम लोग बनाते समय सबसे पहले स्प्रिंग फॉर्म का यूज किया था, उसके बाद मॉडल मॉडल एट्रीब्यूट मैंने स्पेसिफाई कर दिया था टू 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 डू, तो जो भी आप फिल करते गए स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करेगा, उसका डेटा क्या करेगा, यहां से उठाएगा सबसे पहले इसकी वैल्यू उठाएगा, इस टू डू के ऑब्जेक्ट के टू डू टाइटल में रख देगा, और इस टेक्स्ट एरिया का कंटेंट उठाएगा टू डू कंटेंट में रख देगा, और सिंपली हमारे इस मेथड के इस टी में रख देगा। हम यहां पे इसको यूज कर सकते हैं, तो सिंपली मैं यहां पे प्रिंट करने वाला हूं, आपको दिखाता हूं सिस आउट, सिस आउट में मैं इस टी को सिंपली प्रिंट कर दूंगा। अब देखो होगा क्या, सिंपली देखिएगा, हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं, इसको चलाते हैं, और हम लोग बैक आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और देखें कुछ एरर आ गए इसमें, लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से, हम लोग क्या करेंगे इस वाले एक्शन को सही करेंगे, ये यहीं से आ रही है, सिंपली आप अपने इस वाले URL पैटर्न को दे दीजिए, सिंपली यहाँ पे सेव टू डू, सेव टू डू, ठीक है हम दे देंगे, इसको भी सेव टू डू कर देंगे, यहाँ पे इसको सेव टू डू कर देंगे इसकी वैल्यू, और अपने होम पे आके यहाँ पे हम लोग सिंपली सेव टू डू कर देंगे, सिंपली सेव कर देंगे। अब हम लोग आएंगे सबसे पहले अपना कंसोल क्लियर कर देंगे, और हम लोग आएंगे और हम लोग सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का होम पेज ऑन करेंगे, ठीक है। अब हम ऐड टू डू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ टाइटल दे देंगे, सपोज दिस इज माय टू डू वन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज कंटेंट कंटेंट, और मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये बता रहा है सेव टू डू नॉट फाउंड, ठीक है, सेव टू डू नॉट फाउंड, इसका मतलब इसको ये नहीं मिल रहा है, सेव टू डू का मेथड नहीं मिल रहा है आपके इस वाले कंट्रोलर में, ठीक है, किस वाले कंट्रोलर में, इस होम कंट्रोलर में। तो आप सिंपली यहाँ पे सेव टू डू सही है, ये परफेक्ट है, इसको सेव कर दीजिए, और एक बार प्रोजेक्ट को रीरन करना मत भूलिएगा, मे बी उसने चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो आप जब इसको रीरन कर दोगे तब ये चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप प्रोग्राम में कुछ गलत नहीं है, सिंपल सिंपली हम लोगों ने इसको रीरन नहीं किया, अब मैंने जब इसको दोबारा रन किया है तब जाके ये चेंजेस फिर से रीडिप्लॉय करेगा और सर्वर पे वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे फिर से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, हम ऐड टू डू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट 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 के बाद लिख देंगे फर्स्ट के बाद लिख देंगे यहाँ कॉन्टेंट, ठीक है, और ऐड टू डू पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे ये फिर से वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देखो सेव टू डू है, सेव टू डू का मतलब सेव टू डू वाला हमारा चला होगा, ठीक है, देखो सेव टू डू वाला एग्जीक्यूट होगा, उसने डेटा फेच किया होगा, डेटा फेच करके दिया किसमें होगा, आपके इस टी वाले वेरिएबल में, टी को मैंने सिंपली प्रिंट किया, तो देखो प्रिंट कर रहा है फर्स्ट और कंटेंट प्रिंट कर रहा है, परफेक्ट, इसका मतलब सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही हैं और हमारा कंटेंट यहाँ तक आ जा रहा है, पहुँच जा रहा है। अब हम लोग इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, तो फिलहाल देखते हैं किस में स्टोर करना है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, डेटाबेस है ही नहीं,
सबसे बढ़िया तरीका है इसको स्टोर करने का, आप कोई डेटाबेस यूज़ करो, कोई भी डेटाबेस यूज़ करो स्टोर करने का, ठीक है। तो उसमें आप स्टोर कर सकते हो इस वाले अपने इस टू डू को स्टोर कर सकते हो। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको किसी वेरिएबल में स्टोर वगैरह कर सकते हैं। देखते हैं कैसे स्टोर करेंगे ये सारा प्रोसेस। सबसे पहले इसमें कुछ वेरिएबल्स और सेट करने, तो मैं इस टी में डेट नहीं आ रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ टी डॉट सेट टू डू डेट, और यहाँ पास करना सिंपली न्यू डेट, ठीक है। तो हमारी डेट भी सेट हो जाएगी। तो अब इस टू डू रेडी है, बस हमें करना है क्या, इसको सेव करके यहाँ से मैसेज ले जाना है। तो सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, हम लोग सेव कर देते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में। सबसे बढ़िया तरीका, हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और हमारा सारा काम हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले इनिशियलाइज कब करेंगे, तो हम लोग एक एरे लिस्ट बनाएंगे और उस एरे लिस्ट में एक एक करके सारे डेट को सेव करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा लिसनर का कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो एक क्लास बना लूँगा। तो चार न्यू पे जाऊंगा, क्लास का नाम दे दूंगा माय कॉन्टेक्स्ट, या ऐसे लिख देते हैं माय लिसनर। और माय लिसनर को मैं इंप्लीमेंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे डिफॉल्ट पैकेज में आ गया, लेकिन डिफॉल्ट पैकेज में नहीं करना है इसको, मैं किसी और पैकेज में रखूंगा। तो एक पैकेज बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ com.l फॉर लिसनर, और इसको मैं मूव करूंगा माई पैकेज को, माई लिसनर वाली क्लास को इस वाले पैकेज में। तो देखोगे इस वाले में भी आ गई, तो ये वाली एक वाली क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारा काम आपको भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं आ गया अपने माई लिसनर वाली क्लास में, और बेसिकली मैं इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पे एक इंटरफेस होता है माई सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। तो ये बेसिकली करेगा क्या, इससे होगा क्या, जब हम लोगों ने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लिया है, इसका मतलब होता है कि अब हम लोग की ये जो क्लास है वो लिसनर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही हमारा वेबसाइट, हमारी जो प्रोजेक्ट होगा वो डिप्लॉय होगा, तो ये उसको लिसन करता रहेगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को। जैसे हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा, तो वेब कंटेनर जैसे ही प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होगा, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर उसे सुन लेगा। दैट मीन्स ये कुछ हमें एक्टिविटी परफॉर्म करने की जगह दे देगा। तो इसके कुछ मेथड्स को ओवरराइड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली ये करेगा क्लास क्या। सोर्स पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास ओवरराइड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे और सिंपली ओवरराइड करेंगे। देखो दो मेथड्स में, कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड और कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, इन दोनों पे क्लिक कर देंगे और ओके कर दें। तो मुझे देखो कि दो मेथड्स मिल जाएंगे, इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, परफेक्ट, दोनों को हटा दिया। तो ये दोनों मेथड कब एग्जीक्यूट होंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो आपकी पूरी वेबसाइट के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होता है, और वो बनता कब है, जब आपका वेब कंटेनर बना देता है, अब डिप्लॉय करता है आपके ऑब्जेक्ट को। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो, सबसे पहले आपका सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब ये लिसनर क्या करेगा, ये हमारी क्लास का, आप ध्यान से देखिए, इसके दो मेथड है कि कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड। तो होगा क्या, ये दोनों मेथड ऑटोमेटिक चलेंगे, अपने आप चलेंगे। कब चलेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेगा वेब कंटेनर, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, मतलब जैसे ही डिप्लॉय करेगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ऑटोमेटिक ये कॉन्टेक्स्ट लिसनर इनिशियलाइज्ड वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। और फंक्शन चल जाएगा तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा, लिख दूंगा कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड, और मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ टू डूज, और लिस्ट इज इक्वल टू, देखिएगा, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, परफेक्ट। और मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को अपने कॉन्टेक्स्ट में ऐड करूंगा, तो कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल निकालने दो भाई, हाँ, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट निकालने दो, लिखूंगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा इस SCE से, ठीक है, ब्रैकेट में, तो हम लिखेंगे SCE.getServletContext, परफेक्ट।
ठीक है, अब मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, context.set attribute, और attribute में हम लोग पास कर सकते हैं to do's, ठीक है, to do's या list दे दो भाई, list के अंदर हमारा रखा होगा भाई आपके to do's, ठीक है, आपके to do's, तो हम लोग आ जाते हैं इधर और यहाँ पे इसको लिस्ट पर करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो वो का क्या, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा, जैसे प्रोजेक्ट बनेगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वेब कंटेनर, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, होगा क्या, ये फंक्शन अपने आप चल जाएगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, और अपने आप जैसे फंक्शन चलेगा ये मैसेज मिलेगा और एक ब्लैंक एक एरर लिस्ट बनेगी जिसके अंदर हम टू डूज रखने वाले हैं, और इस लिस्ट को हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट तब तक रहेगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का जब तक आपकी वेबसाइट बंद नहीं हो जाएगी, दोबारा रीडिप्लॉय नहीं हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको ध्यान से देखिए, हम लोग web.xml में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो हम लोग आएंगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका पहले पूरा नाम देख लेते हैं, com.l.mylistener। तो हम लोग आ जाते हैं web.xml में, इसको रजिस्टर करते हैं और हम लोग आ जाएंगे अपने वेब टैग के जस्ट अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे listener, और listener के अंदर हमें लिखना है listener क्लास, और listener क्लास के अंदर हम पूरा नाम लिख देंगे com.l.mylistener, बस इतना काम करना था। अब देखिएगा होगा क्या, मैं प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, आप देखोगे होगा क्या, ठीक है। तो कुछ एरर दे रहा, देखते हैं क्या एरर दे रहा भाई, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड आ गया, आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड आ गया, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ आपको, तो आप व्यू पे जाइए, यहाँ पे सो व्यू पे आपको कंसोल मिल जाएगा, कंसोल पे क्लिक करिए, तो आपकी वेबसाइट जैसे ही होस्ट डिप्लॉय की गई होगी तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख जाएगा नीचे कहीं, ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया तो हमारा यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, इसका मतलब एक ब्लैंक एरर लिस्ट भी आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एरर लिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो इस टी को मैं उस एरर लिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। तो एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप मॉडल यहाँ पे लास्ट में आप क्या कर सकते हो, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हो, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपको गेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिस्ट निकाल सकते हो। लिस्ट निकालोगे कैसे, तो सिंपली देखो, ठीक है, मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख देता हूँ, गेटिंग द टू डू लिस्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, कैसे गेट करोगे भाई, देखो सिंपली आप लिखो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में मैंने शायद लिस्ट की दिया था, तो ये आपको एक एरर लिस्ट दे देगा। आप जाइए पीछे देखिए माय लिस्टनर में, ये देखिए मैंने लिस्ट दिया था, तो ये आपको यही वाली लिस्ट उठा के दे देगा। तो अगर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग फिर से आएंगे और हम लोग इस लिस्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। भाई कहाँ गई लिस्ट, ये रही लिस्ट, तो हम लोग इस लिस्ट टाइप के एक टू डू में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ लिस्ट ऑफ टू डूज, दिस इज अ लिस्ट ऑफ टू डूज, को इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो क्लिक कर देते हैं, आपको सजेस्ट करेगा इम्पोर्ट java.util.list, परफेक्ट। अब हम लोग को ये देखिए, ये आपको ऑब्जेक्ट देगा तो मैं इसको टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा भाई, दिस इज अ लिस्ट ऑफ टू डूज, परफेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स, तो मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड और अपना टू डू पास कर दूंगा, परफेक्ट। और एक मैसेज भी घुमा के ले जाऊंगा सेशन में, या आप किसी में भी ले सकते हो, सेशन में ले जा सकते हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, या ऐसे ही आप डायरेक्ट ले जाइए इसमें उठा के, आप एम मॉडल में ले जाइए, तो मैं ऐड एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, ऐड एट्रीब्यूट, और ऐड एट्रीब्यूट में मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज कॉमा, मैसेज के बाद सिंपली अपना मैसेज लिख दीजिए सक्सेसफुली एडिट, परफेक्ट। अब इस मैसेज को सिंपली हम लोग वहां पे दिखा पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को सिंपली दिखा सकते हैं अपने यहाँ पे, आ जाते हैं अपने होम पे और MSG को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा नीचे करता हूँ जिससे डिस्टर्ब ना करे मुझे, तो आ जाते हैं नीचे, MSG कहाँ भाई, ये रहा, ठीक है। तो फाइनली मैं व्यू पे भेजूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको वेलकम टू डू मैनेजर है, इसको आप कहीं से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वेलकम टू डू मैनेजर उसी के नीचे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसी के नीचे दिखाने जा रहा हूँ। तो सिंपली आपको डिव लगानी है जिसमें क्लास लिखना है अलर्ट,
और लिखूंगा अलर्ट डैश सक्सेस। और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर मैं बी लगाऊंगा और बी के अंदर बोल्ड टैग के अंदर सिंपली आपको लिखना है सी कोलन आउट, प्रिंट करना है आउट। और यहाँ पे वैल्यू में आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ करके मैसेज प्रिंट कर देना है। परफेक्ट। अब जब मैसेज आएगा तभी प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे, जी हाँ, हम लोग को ये जो है वो वैल्यू डबल कोट्स के अंदर रखनी है, तो सिंपली ये चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा मैसेज दिखेगा, यहाँ पे हमारा मैसेज दिखेगा कि टू डू सक्सेसफुली ऐड हो गया कि नहीं हुआ। तो ये हमें तभी दिखाना है अगर मैसेज हो, अगर नहीं मैसेज है तो ये चीज़ नहीं दिखानी हमें। तो काम करते हैं, इसको भी हम लोग इफ़ के अंदर रख देते हैं। तो इफ़ लगाना बहुत ईजी है, सिंपली देखो आपको लगाना है सी कोलन इफ़। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन टेस्ट करनी है। अभी बताता हूँ कंडीशन टेस्ट क्या करनी है, और इसके अंदर हम रख देंगे अपना जो भी मैसेज वाला है। और कंडीशन टेस्ट करोगे यहाँ क्या, सिंपली देखो आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज लगाना है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मैसेज इफ मैसेज। ठीक है, मैसेज, और यहाँ पे चेक करना है ये मैसेज एम्प्टी है कि नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी एम्प्टी। ठीक है, नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी हमें ये चलेगा। एक बार देखते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये एम्प्टी है तो नहीं चलेगा, ये मैसेज एम्प्टी कब नहीं होगा, यहाँ से देखो। तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जब टू डू ऐड करेंगे लिख देते हैं फर्स्ट, यहाँ से लिखते हैं वी आर लर्निंग टू डू ऐप विदाउट डेटाबेस। यहाँ लिख देते हैं दिस इज माय कंटेंट ऑफ फर्स्ट टू डू, और ऐड टू डू पे क्लिक करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ हल्का सा एरर आ गया, क्या एरर आ गई देखिए भाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो एरर आ रही है ये हम लोग के सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की वजह से आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं इसको थोड़ा ऑटो वायरिंग की हेल्प से बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो हम लोग एक वेरिएबल ऊपर अपने कंट्रोल में डिक्लेयर कर देते हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है इसको इसलिए दिक्कत हो रही है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक अनोटेशन लगा देते हैं जिसका नाम है ऑटो वायर। ठीक है, ये अब करेगा क्या, इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स का ऑब्जेक्ट निकाल के और इस कॉन्टेक्स्ट में डाल देगा। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग नीचे यूज़ कर लेंगे। एक बार ट्राई करते हैं अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करने की। ठीक है, तो हम लोग रन ऑन सर्वर लिखते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और ओके नॉट कैंसिल आ जाते हैं यहाँ पे फिर से, और हम लोग रन एज ऑन सर्वर करते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और ओके कर देते हैं, तो प्रोजेक्ट आपका फिर से रन होगा। देखते हैं भाई ये वाला तरीका हम लोग का वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। ठीक है, तो बस वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट फिर से चल गया। फिर से हम ऐड टू डू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टू डू, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माय कंटेंट, और हम लोग ऐड टू डू पे क्लिक करते हैं। और जैसे आप ऐड टू डू पे क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपके टू डू सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसका मतलब ये वाला तरीका हमारा चल गया, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आप ऑटो वायर से क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो परफेक्ट, अब हमारा ऐड वाला काम हो गया। दूसरा टू डू ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे चल के, सेकेंड टू डू लिख देते हैं दिस इज कॉन्टेंट ऑफ सेकेंड टू डू। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये डेटा जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये जा कर रहा है, ये डेटा उसी ऑब्जेक्ट में जा रहा है आपके कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में। आपके कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट है, ये वाली लिस्ट जिसके अंदर सारे टू टूज ऐड कर रहे हो आप। और ये जो ऑब्जेक्ट है कब तक रहेगा, जब तक आपका वेबसाइट चलती रहेगी तब तक ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। जब वेबसाइट बंद होगी तो आपका ये कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये मेन मेमोरी आपका डेटा है, हालांकि ये जो चीज़ है वो रिकमेंडेड नहीं है, आप यहाँ पे डेटाबेस यूज़ करोगे। बट हम लोगों ने अभी डेटाबेस सीखा नहीं, तो हम लोग डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, इसी प्रोजेक्ट में डेटाबेस भी लगा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हम लोग इस चीज़ को डेटाबेस पे परफेक्टली प्रोजेक्ट की तरह बनाएं। हालांकि मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने इसी तरह यूज़ कर ली। अब लास्ट काम कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट का, हम लोग अपने आप
अपने सारे कॉन्टेक्स्ट, जितने भी कॉन्टेक्स्ट से निकाल के जितने भी टूटूज हैं उनको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके दिखाते हैं इसी के नीचे। दिखाना कैसे है, चलिए हमें बताता हूँ। तो हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपकी लिस्ट है उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जैसे ही आप होम पे क्लिक करो यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूँ लिस्ट। लिस्ट कैसे निकालते हैं भाई, ये तो समझ में आ रहा होगा, देखिए कैसे निकाला था मैंने। सिंपली आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए मैं लिख दूंगा लिस्ट। इस लिस्ट को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, बट मैं दिखाऊंगा कैसे आप लिस्ट को यहाँ से भेजोगे वहाँ पे। तो आ जाते हैं यहाँ पे भाई, इसमें आ गई आपकी लिस्ट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ टू डूस, लिस्ट ऑफ टू डू, और लिख देते हैं यहाँ पे लिस्ट, परफेक्ट। और इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं लिस्ट, लिस्ट और लिस्ट ऑफ टू डूस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको मॉडल में ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ऐड एट्रीब्यूट, और मॉडल में ऐड एट्रीब्यूट्स नॉट ऑल, ठीक है। हम लिखेंगे ऐड एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे हम लोग देंगे, हम लोग लिखेंगे टू डूस, टू डूस, और कॉमा लगा के हम अपना लिस्ट को पास कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो चली जाएगी आपके इस होम पेज पे टू डूज़ के अंदर। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस टू डूज़ के अंदर एक एक करके डेटा हम लोग दिखा देंगे, नाम, डिस्क्रिप्शन एंड डेट। तो हम लोग आते हैं और होम पे दिखाते हैं, ये कब दिखाएंगे, जब आपका होम पेज चल रहा होगा, दैट मीन्स ऐड नहीं, ये तो ऐड का इफ, ये है होम पेज ऑल टू डूज़ के अंदर यहाँ पे। तो हम लोग लगाएंगे फॉर ईच लूप, लूप डायरेक्ट मैं नहीं लगाऊंगा, फॉर ईच मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे भाई, क्या यूज़ करूंगा, JSTL वाला फॉर ईच, ठीक है। तो हम लोग कोलन लगाएंगे और लिखेंगे सी फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, और ये रिपीट करेगा, ठीक है, इसके अंदर जो लिखेंगे रिपीट करेगा, बट किसे रिपीट करना है ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा आइटम्स, ठीक है, आइटम्स के अंदर मैं इसके अंदर पास कर दूंगा अपना ये वाला आइटम, कौन सा वाला आइटम भाई, अपना टू डूस पास कर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं होम के अंदर और यहाँ पास कर देते हैं टू डूस, ठीक है, और एक इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लिख देंगे वेरिएबल, और हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, नाम देते हैं टी फॉर टू डूस, ठीक है। और हम बनाएंगे सिंपली एक कार्ड, तो यहाँ लिख देते हैं डिफ क्लास कार्ड, और कार्ड में एक और डिप बनाएंगे हम डिफ क्लास, और लिख देंगे यहाँ कार्ड बॉडी, और हम लोग यहाँ ले लेंगे H3, और H3 के अंदर हम प्रिंट कर देंगे सी आउट वैल्यू में प्रिंट कर देंगे हम, ध्यान से देखिए T.toDoTitle, और इसी तरह हम इसके नीचे लगाएंगे P फॉर पैराग्राफ, और लिख दें प्रिंट कर देंगे C.toDoContent, ठीक है। तो आपको फिर से JSTL वाला टैग यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ कर लेते हैं भाई, ये सब चीज़ें तो हम मैं सिखा चुका हूँ आपको। और यहाँ पे हम लिख देंगे, ध्यान से देखिए T.toDoContent, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते आ जाते हैं भाई, और हम लोग अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार सेव कर लेते हैं, आते हैं और ठीक है, तो ऐड करते हैं, तो लिख देते हैं फर्स्ट टू डू, दिस इज कॉन्टेंट, और हम लोग क्या करते हैं टू डू को ऐड करते हैं, ठीक है। तो व्यू पे कुछ एरर दिखा रहा है ये, ठीक है, ये क्या एरर दिखा रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी नॉट फाउंड, कोई प्रॉपर्टी बता रहा नहीं मिली भाई टू डू के अंदर, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी नॉट फाउंड मिली, ठीक है, हम लोगों ने कुछ गलत दिखा, एग्जैक्टली यहाँ पे कंटेंट होगा, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, तो हम लोग देते हैं कॉन्टेंट, और आ जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टू डू, एक टू डू आ चुका है, ठीक है, ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं दिस इज सेकेंड टू डू, लिख देते हैं दिस इज सेकेंड टू डू कॉन्टेंट, और हम लोग क्या करते हैं टू डू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड टू डू आ गया, इसी तरह आप एक और ऐड कर सकते हो, ऐड कर देते हैं दिस, लिख देते हैं दिस इज थर्ड टू डू, दिस इज थर्ड टू डू कॉन्टेंट, और आप सिंपली क्लिक करो। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, ये आपको सेव टू डू पे ले जा रहा है, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप होम पेज के साथ ये चीज भी दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैसे दिखाना है, चलो भाई तो इस तरह से मैंने बना दिया था। ये सिंपली बैकएंड का जो था वो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था। हालांकि आप ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो, और मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैंने सिखाई कैसे आप स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे आप व्यू रिजॉल्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे आप होम कैसे आप अपने कंट्रोलर से डेटा ले जा सकते हो अपने व्यू में, कैसे आप जेएसटीएल वगैरह यूज़ कर सकते हो, कैसे आप URL मैप कर सकते हो, ऑर्डर वायरिंग वगैरह कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई। और एक सिंपल टू डू ऐप भी बना कर दिखाया, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने टू डू ऐप को क्रिएट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे देखो ऐड कर सकते हो, टू डूज़ को ऐड कर सकते हो, यहाँ डिलीट का ऑप्शन बना सकते हो, सारी चीज़ बना सकते हो। बट ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है टू डू सेव करने का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं था। और एक वीडियो में आपको डेटाबेस सिखा नहीं सकता हूँ कि इस चीज़ को हम लोग डेटाबेस में सेव कर पाएं, बट फिर भी इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। अगर आप स्प्रिंग ORM या फिर आप हाइबरनेट वगैरह सीख लोगे, तो आप उन अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क का यूज़ करके इन सारे डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कहाँ पे इन सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो अपने डेटाबेस में, फिर दिखा सकते हो। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे web.xml एक प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिलहाल ये चीज़ जो है ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो अभी दिक्कत आ रही थी, ये सब चीज़ें अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या स्प्रिंग की सीरीज़ बनाया तो उसमें सारी चीज़ बताऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आएगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या हम इसके आगे का पार्ट बनाएं, और क्या मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज़ लाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाइब्रिड स्प्रिंग की सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। अगर कुछ लोग के कमेंट आ जाएंगे तो मैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।